Are you ready? चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और कैसे हैं आप लोग, थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि फ्लोर हमारा खाली है, ना यहाँ टीम आई है ना यहाँ टीम आई है। मैंने सोचा कि आज फाइनल है तो दोनों टीम्स का इस्तकबाल जरा शान से होना चाहिए। आइए जी, सबसे पहले बुलाएंगे टीम टिकटॉकर्स, आइए। क्या बात है टिकटॉकर्स, कल का सेमीफाइनल था, समहाउ तुम लोग जीत गए। आज क्या करना है? आज अगर हार गए तो याद रखो, नेक्स्ट सीजन में हो सकता है काफी सारे लोग तुम में से ना हो, और अगर होंगे भी तो उनको इस्तकबाल में खड़ा रहना पड़ेगा चैंपियंस के, अगर ये लोग जीते आज। और पूरे सीजन मैं मेक श्योर करूंगा आगे कि तुम लोग खड़ोगे, तालियां बजाओगे अगर हार गए। इसलिए आज ऐसा खेलना कि आज से पहले कभी इतना अच्छा ना खेलो, सही है? क्योंकि तुम्हारे साथ जुड़ी है बहुत सारे लोगों की उम्मीदें, लाखों टिकटॉकर्स की उम्मीदें जो तुम्हें वोट करते हैं, जो तुम लोगों से प्यार करते हैं। आज वो सब स्क्रीन से जुड़ के बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि टिकटॉकर्स जीतें। लेकिन उसी तरह चैंपियंस के भी बहुत सारे फैंस हैं जो चाहते हैं कि आज चैंपियंस टिकटॉकर्स को पिछाड़ दें। तो बुलाते हैं हमारे अपने चैंपियंस, आ जाओ। बहुत अलग, अच्छा किया। इन दोनों पे म्यूजिक ही बंद कर दिया, जितना स्लो आ रहे हैं, बहुत अच्छा किया म्यूजिक बंद कर दिया। नहीं पहले आप क्यों, ये कौन, ये लेडीज फर्स्ट है जो पहले आप। आज फिनाले है, किसी की शादी है? दानिश भाई किसी की शादी तो नहीं है? नहीं नहीं, फिनाले है, शादी है, देखिए जरा। गेम शो है, फैशन शो है? दानिश भाई आज गेम शो या भीख मांगने जा रहे हैं? लोग फटे हुए कपड़े पहन के आए हैं, तो क्या बजाने के लिए तैयार हो ना आप लोग? ऐसा लग रहा है सारी की सारी गायें बिठाई हुई हैं। दुबा वो पता चल रहा था जब आमिर और वो आ रही है ना, मवेशी मंडी में नहीं, भैंस को लेते हुए वो आ रहा होता है। वो आप वो बकरा है जो कोई खरीदा तो नहीं है, चूजा तो नहीं है। ये अच्छी बात बोली, संडा है, दुबा नहीं है, दुबा कोई भी नहीं है। चलो गाइस, अब तुम लोग फाइनल खेलने आ गए हो। इत्तेफाक से इस पूरे सीजन में ऐसा हुआ कि जितने मैचेस तुम लोग जीते उतने ही मैचेस तुम्हारे हिस्से में आए हैं जो तुम लोग जीते हो। सात आप लोग जीते हैं, सात ये लोग जीते हैं, लेकिन आज का फाइनल जो जीतेगा वो है असल चैंपियन। गेम शो ऐसे चलेगा, लीग सीजन वन का असल चैंपियन वही होगा। तो चैंपियंस, हाँ ये तुम लोगों का एक ब्रांड नेम है चैंपियन, हमारे गेम शो के चैंपियन नहीं हो अभी तक तुम लोग। अगर आज तुम लोग जीत जाते हो तो क्या तुम लोग चाहोगे कि अगले पूरे सीजन में ये लोग तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होकर तालियां बजाएं? चाहेंगे क्या? चाहेंगे खड़ा होने। आज ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा। राबेल ने कहा है कि आज बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ भाई ऐसे ही होगा। एक दो तीन चार पाँच, एक की कमी है अभी। अच्छा अभी आ रही, क्या वो लेट क्यों हो गई? मेकअप तो नहीं हो रहा? आई थिंक सो। अच्छा यू थिंक सो। चलिए जी, अब तक अभी आती है, हम खेलते हैं अपना पहला गेम। लेकर आओ भाई टिकटॉकर्स चैंपियंस, ऑल द बेस्ट। ये ट्रॉफीज तुम लोग का इंतजार कर रही है, जो जीतेगा और इन ट्रॉफीज से बड़ी है वो रिस्पेक्ट जो तुम लोग या तुम लोग अर्न करोगे आज, और वो पूरे नेक्स्ट सीजन में तुम लोगों में से किसी एक के साथ रहेंगी। तो गाइस, आज का फाइनल
भरपूर तरीके से खेलना और पूरी कोशिश करना कि जीतो और किस्मत के लिए दुआगो भी रहना। आइए जी पहला। अच्छा मुझे बताओ फाइनल का कैप्टन कौन है? अरे बिलाल कैप्टन है फाइनल का। मैं हूं कैप्टन। यार वो कह रहा है मैं कैप्टन। भाई एक मिनट इनको यार, चलो भाई यार एक मिनट भाई रुक जाओ। आमिर कौन कैप्टन है? जल्दी बलाज। बलाज हाँ भाई बलाज। बस हो गए, मैं बिलाल को दूंगा। अच्छा और बिलाल खुद भी कह रहे हैं कि मैं ही कैप्टन हूँ, लेकिन तीन लोग कह रहे हैं कि कैप्टन बलाज है, इसलिए कैप्टन यहाँ से बलाज है। हाँ जी फाइनल में कैप्टन कौन है? जो भी कैप्टन होगा ट्रॉफी उसी को मिलने वाली है, होगी पूरी टीम की। हुसैन कैप्टन है आज। चलिए जी यहाँ से हुसैन कैप्टन, यहाँ से बलाज कैप्टन। पहला टॉस बलाज नहीं बल्कि हुसैन से हुआ है। बताइए तुम्हारी आवाज क्या गई आज? चैंपियंस। ये बात चैंपियंस और आ भी गया है चैंपियंस। पहला टॉस जीते हैं टीम टिकटॉकर की तरफ से हुसैन, इसलिए चैंपियंस की तरफ से कौन आएगा? आओ भाई आमिर। चलो आओ आमिर। आमिर तुम्हारा इस गेम में बेस्ट स्कोर है 20, मुझे याद है। आज मैं चाहूंगा तुम 24 करो क्योंकि 23 स्कोर हुसैन का बेस्ट है। देखते हैं आज हुसैन अपना स्कोर बेस्ट करता है, बेहतर करता है या नहीं। रेडी हो तो शुरू करते हैं आज का फाइनल। रेडी गो। चलो 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 आराम से चावल। टाइम अप गाइस, कितना स्कोर कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 स्कोर किया है आमिर ने, जो इसका प्रीवियस बेस्ट था ये उतना भी नहीं कर पाया है। हुसैन तुम्हें 18 स्कोर करना है एक पॉइंट जीतने के लिए। फाइनल है, फाइनल समझ के खेलना। ऑल द बेस्ट। चलो भाई रेडी रेडी गो। जिधर भी ये क्या हुआ? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो। हाँ अब तो एक्सक्यूजेस दोगे ना? ये कोई एक्सक्यूज नहीं, ये इससे पहले भी कई बार हुआ है। लेम एक्सक्यूजेस, ये इससे पहले भी कई बार हुआ है। और हुसैन ने 14 स्कोर किया, इसी तरह पहला पॉइंट जीता आमिर ने टीम चैंपियंस के लिए। हो जाए तेरा वो प्यार। पता नहीं वो क्या कर रहा था, क्या हो गया सर? ये
लोग सिर्फ बातें करने आए आज, बस और कुछ भी नहीं। तुम लोग बातें करने नहीं आए? नहीं, हम तो जीते हैं। जीते हो ना, ये बात ऐसे ही खेलना है। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सजा दूर कैसे जा सकता है? सोशल डिस्टेंस देखो, अगर तुम्हें लग रहा था तो तुम उसको हाथ से करीब कर लेते। नहीं पता था अभी वाले गेम में भले हम हार मान लें, लेकिन अगले वाले गेम में भले हाथ लगा के दूर नहीं करेगा। पनिशमेंट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन को पनिशमेंट। और क्या आपके नाते परिश में आ गए हुसैन साहब भाई? आया हुसैन साहब, इधर हुसैन साहब, यहाँ आइए जल्दी से बैठ जाइए। हाथ ऊपर, नील डाउन, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ये बात लो भाई। नेक्स्ट गेम जल्दी से, एक पॉइंट के साथ स्टार्ट किया चैंपियन ने, दूसरा गेम स्टार्ट करते हैं। दूसरा गेम क्या है हमारे पास? ओ, ये दो पॉइंट्स का गेम है क्योंकि ये मुश्किल गेम है। इस गेम को अभी तक सिर्फ बालाज जीता है। मैं चाहूंगा आज टीम टिकटॉकर्स के पास से कोई भी ये गेम एटलीस्ट फुलफिल तो करो यार, कंप्लीट तो करो कम से कम। सिर्फ बालाज ने दो बार कंप्लीट किया है और बालाज जीत गया ये पॉइंट। चलिए जी, टॉस टॉस टॉस, मुझे टॉस के लिए चाहिए। जल्दी से हाथ ऊपर, कहाँ बैठो, नील डाउन, सही से नील डाउन, ये ऐसे होना है। चलो भाई बारी है बालाज, बताओ। चैंपियंस और टिकटॉकर्स, टॉस जीत गए हैं टिकटॉकर्स, इसलिए चैंपियंस के पास से कोई आएंगे और वो है बालाज। बालाज ये दो पॉइंट्स का गेम है, अगर जीतोगे 3 पॉइंट्स हो जाएंगे चैंपियंस के आज। चलो भाई पूरा 1.5 मिनट है तुम्हारे पास। बालाज रेडी, ऑल द बेस्ट, रेडी गो। चन्नों की आंख में एक नशा है, फिर उसकी आया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले रावेल, एक साइड पर आ जाओ। चन्नों की आंख में एक नशा है, काल पे उसके दिल का निशा है, चन्नों की आंख में एक नशा है, काल पे उसके दिल का निशा है, इसमें फिर उसकी आया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले। टाइम आप, और आज बालाज से भी ये नहीं हुआ। कोई है टिकटॉकर्स में? मीर आएंगे। चलो जी मीर को भी देख लेते हैं, आ जाओ वापस वापस, आज मीर को भी देखते हैं। मीर आज फाइनल खेलने आया है। अच्छा गाइज, आप सब ने एक जगह पे रहना है, पूरे फ्लोर पे नहीं घूमना किसी ने, एक तरफ रहो सब। चलो भाई रेडी, रेडी गो। उसकी जवानी में एक तड़पन है, मर जानी उस जैसा दुनिया में कहां है, नजरें मिलाना सजना हाय, उसका यूं शर्माना, हाथ बुलाऊं बोले नारे नारे, मार के बह गई छाल में बहु थोड़ी गड्डी वाले।
टाइम अप। यहाँ तक आ गए, अब जीत गए। बहुत टाइम अप, वापस आ जाओ जहाज लेके वापस। यहाँ तक आ गए और अब नहीं जाएंगे। कोई पॉइंट विन नहीं किया चैंपियंस ने इस गेम में, और ना ही किसी पॉइंट के हकदार ठहरे हैं टीम टिकटॉकर्स। लाइए जल्दी से इसके बाद कौन सा गेम है, नेक्स्ट गेम लेकर आओ। इसकी सजा किसी को नहीं मिलेगी, ना तुम लोग किसी को दे सकते हो, ना तुम लोग किसी को सजा दोगे। लाओ नेक्स्ट गेम जल्दी से। नेक्स्ट गेम क्या है काशिफ साहब? अरे जल्दी से चलो भाई, दो प्लेयर जाते चाहिए, दो प्लेयर जाते चाहिए। दो पॉइंट्स का गेम है, कौन आएगा जल्दी बताओ। कैप्टन जल्दी बताओ कौन आएगा। तू आओ यहाँ से कौन आएगा? रवि का आएंगे यहाँ से। चलिए भाई एक मिनट है तुम दोनों के पास। अच्छा गाइस कैमरा को ब्लॉक नहीं करना, अब तुम से पीछे हट जाओ, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ। एक मिनट, सब इस तरफ रहो ताकि कैमरे की तरफ बैक ना हो तुम्हारी, कैमरा सामने। हाँ हाँ अमित तुम बस पकड़ते रहो ग्लास वाला, अब्दुल बासित तुम ग्लास जब गिर उठा लेना। रेडी गो। वाह 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 वाह, ये जीवन है बहुत आला बहुत आला। कुछ करना हो तो कर गुजरो, हर लम्हा एक सपना है, ना जाने अपना हो ना हो। गम को हमेशा मुस्कुरा के छुपाना, हंस के हंसा के जिंदगी को बिताना। उड़ते हो कहीं झुकनू के बैठी हो तितली कहीं। और रबीका ने फाइनल में हराया है जी तुबा को। आइए एक पॉइंट तो गया टिकटॉकर्स के पास। अब यहाँ है आमिर वर्सेस हुसैन, आप खेलोगे? चलो आ जाओ, पूरा एक मिनट है तुम लोगों के पास। ऑल द बेस्ट गाइस, रेडी गो। उड़ते हो कहीं भाईजान, हो भी चुका। आमिर ने 10 सेकंड में बताया है कि who's your boss, क्या बात है भाई। एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, इसलिए ना सजा आप दे सकते हो, ना सजा आप दे सकते हो। हाँ दोनों मिलके डांस जरूर कर सकते हो, तो हो जाए। आइए भाई हो जाए। चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कैंड किया खिया, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कैंड किया खिया। वो शायद समझा आप कह रहे हैं चलावे पंखियां, पंखे चला रहा था हाथों से वो बोतल। अरे अभी आ गए आप, कहाँ थी तुम? एक्चुअली वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, तो उसके बाद फिर ट्रैफिक भी मिला, उसके बाद फिर मैंने कैब की, फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मैं रेडी नहीं थी, मैं रेडी होने के लिए गई। असल काम ये है ना कि तुम रेडी नहीं थी, यहाँ आगे मेकअप हो रहा होगा ना? नहीं मेकअप नहीं करवाती मैं, सिर्फ हेयर डू करने गई थी। अच्छा उसमें टाइम लग गया। चलिए आपको याद है आज फाइनल है? जी बिल्कुल। आप रेडी हैं फाइनल के लिए? जी। चलिए जल्दी से, तैयार होने की जरूरत होती है। जल्दी से मुझे जरा दिखाइए कि पॉइंट्स टेबल पे कितने कितने पॉइंट्स हो गए हैं फाइनल में। जी और टिकटॉकर्स के हैं एक पॉइंट, वहीं पर दो पॉइंट्स है चैंपियंस के। गाइस वेल डन, बहुत से जा रहे हो। हाँ जी नेक्स्ट गेम बोरी वाले काशिफ, मेरा मतलब बोरी वाले बाबू लेकर आओ भाई। और टॉस हो गया, बताइए क्या है मेरे पास? चैंपियंस बोले तो चैंपियंस टॉस जीते हैं जी टिकटॉकर्स, इसलिए पहले चैंपियंस के पास से कौन आएगा बताओ। बलाच आप खुद आओगे? ये हुई ना बात, कैप्टन इनिंग खेलने आया बलाच, आज बताएगा बलाच कितना स्कोर होता है इसमें हाईएस्ट। एक मिनट है तुम्हारे पास, जंप करके जाना है, जंप करके वापस आना है। एक पॉइंट का गेम है ये, रेडी हो? रेडी, मैंने कहा रेडी गो। उच्चे अम्मा चाचा वाली आग गई, ये बात एक गुड़ी ऐसे हार गई, तेरी सोंठो ना मर जावा, मैं ये तेरी मेरी गल्ला पड़े, ये तेरी मेरी गल्ला पड़े। चावली आग गई, देखो एक कुड़ी आज हार गई,
टाइम अप, 5 स्कोर किया है जी बालाच ने टीम चैंपियंस के लिए। हुसैन ने कल 6 स्कोर किया था, अगर आज हुसैन 6 स्कोर करता है तो ये एक पॉइंट भी जाएगा टिकटॉकर्स के साथ, लेकिन कहीं अगर 5 स्कोर होता है तो फिर से तुम दोनों बराबर हो जाओगे। कांटे का मुकाबला चल रहा है आज, आज तुम लोग बिल्कुल सही खेल रहे हो, जो गेम जिसको खेलना चाहिए उसी को लेकर आ रहे हो मैदान में, और उसी तरह आप लोग भी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जो गेम जो अच्छा खेल सकता है उसी से खिलवाओ। रेडी? क्या धोती आगे धोती में पूरे रेडी हो तो ये धोती खुलनी नहीं चाहिए रास्ते में। रेडी गो। दुनिया को मरने में आ रही, अरे वाह, डर डर के हो रहा है प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल हो, मैनू परवाह नहीं है किसे दी, मैनू परवाह नहीं, अरे वाह क्या चल रहा है, चाचा वाली आंख गई बहुत अलग है, बहुत अलग हार गई तेरी सोढ़ो ना मर जा बाकी मैं के तेरी मेरी गल ना पड़ी, जबरदस्त बहुत अलग यार, बहुत आला हुसैन, वेल डन। क्या स्कोर हुआ भाई टोटल? 8। मुझे तो लग रहा है सारे डाल देगा आज। 5 स्कोर किया था चैंपियंस की तरफ से बलाच ने। हुसैन ने बताया है कि इस गेम का बॉस कौन है। वेल डन हुसैन, ये पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। आओ हो जाए, हो जाए भाई। जबरदस्त, बेहतरीन। अब बताओ किसे सजा देनी है तुम लोगों ने? यार क्या चक्कर है यार, तुम उछलते हुए बिल्कुल कैंगरू लग रहे थे। सही है, खड़ी हो जाओ सजा में, आप सजा में आओ भाई। नेक्स्ट गेम जल्दी से बताओ, नेक्स्ट गेम क्या है? नेक्स्ट गेम काशिफ लाओ ना बेरा, और नेक्स्ट गेम है जी गोल गोल चक्कर पे चक्कर। ये फाइनल का गोल गोल चक्कर पे चक्कर है, इसलिए टॉस जल्दी से बताओ, जल्दी से टॉस 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 टॉस। देखते हैं जी, टॉस की बारी है बालाच की नहीं, मुझे पता है हुसैन की बारी है। हुसैन साहब बताइए, आपकी बारी थी वैसे, आपने बोला था तो बालाच बोलेंगे। बालाच बताइए आप। टिकटॉकर्स चैंपियंस, और फिर टॉस हारे हैं चैंपियंस, इसलिए पहले चैंपियंस ही आएंगे। बताइए भाई जल्दी से बताइए कौन आएगा। हैं बिलाल आ रहे हैं सर, फिर आगे हम क्या खेलेंगे, क्यों जाए, क्योंकि ये कंफर्म है कि बासित जीत जाएगा। हाँ कितने भी करे कम से कम 2 तो कर लेगा। अच्छा माइक में बोलो, माइक में बोलो, तुम क्या कह रहे थे आमिर? मैं ये कह रहा हूँ कि बासित को वैसे भी 6-7 कर लेता है, करता ही करता है। हाँ, हाँ। 6 तो कर लेता है, तो इससे अच्छा 2 तो बिलाल भी कर लेता है। हाँ 2 तो कर लेता है। और कुछ कहना चाह रहे बिलाल? अच्छा आमिर ने पूरे लीग में ये जो हुआ है इसके अंदर ये ट्राई नहीं किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज फाइनल है, तो आज हीरो बनने का मौका है इसके पास। आपने एक बार कैप्टन का जो फैसला है मैं उसको मानूंगा। कौन आएगा? बिलाल जाएगा, हमारे कैप्टन का फैसला। आइए जी बिलाल आइए, रेडी, पूरा 1 मिनट है तुम्हारे पास, तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ये गोल घूमते हो तुम्हारे पास ना आ जाए। रेडी गो। Let's go!
टाइम आउट जी वापस। बिलाल ने रमजान से ये चक्कर पे चक्कर शुरू किए हैं, 3 से स्टार्ट किया था, फाइनल तक 3 पे ही है। ये अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है इसने, ये ना कम करता है ना आगे जाता है। वेल डन भाई, कौन आएगा? आ जाओ बासित, आ जाएंगे बासित तो यूं हरा देगा यार इसको। चलो भाई, अच्छा आप अपना नया अपना रैकेट ब्रेक करने आया खुद ही। चलो भाई, 1 मिनट तुम्हारे पास, रेडी गो। 1, अरे बात दो, अरे 3, 2, 4, चलो चलो, आज रिकॉर्ड बनने वाला है, आज रिकॉर्ड बनेगा, आज रिकॉर्ड बनेगा। 1, 2, 3, ये दुनिया झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, वरना शाह है धरती झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, ये दुनिया झूम रही है, वरना शाह है धरती झूम रही है। चलो 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 चलो, 1, 2, 3, 4, चलो 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 चलो, 2 बार चले आओ, 2 और चले जाना, 1, 2 बार चले आओ, 3, 4 चले जाना, फिर तुम चलो पास, 1, 2, फिर तुम को बुलाए तो चलो। Well done, बासे जबरदस्त, बहुत सारी तालियां। आज आज टिकटॉकर्स वाकई फाइनल खेलने आए मुझे लग रहा है गाइस। Well done, ये पॉइंट भी किया टीम टिकटॉकर्स के साथ, इसलिए हो जाए भाई। देख तेरा प्यार मैनू मिले, जबरदस्त जी। बताइए सजा का हकदार कौन? तुम लोग आज सजा लेने आए हो क्या? दो लोगों को ये तो हमें पता था और आपको भी पता था, ये गेम तो उसी की है। कभी भी ना सोचा करो ये बात, ये गेम तो उसी की है। सर हम एक एक पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम दो दो पॉइंट्स जीते। मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर आता था जी 4th 5th इस तरह। मेरी क्लास में एक लड़का था जो हमेशा फर्स्ट आता था और कोई उसको नहीं हरा पाता था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बचपन की बात है, बड़े मजे का वाकया ये। एक दिन वो मेरे पास आया और मेरे साथ बैठता नहीं था वो। उसने मुझे आके बोला कि यार ये तो 4th और 5th आता है, ये कहाँ से आगे ज़िंदगी में ये ऐसे होगा। इतने छोटे बच्चे ने ये वाली बात मुझे बोली कि ये तो 4th 5th आता है, ये तो कभी 1st 2nd नहीं आ सकता, तो मैं उनको दोस्त नहीं बनाता। बिलीव मी और नॉट, मेरे पेपर्स में तकरीबन 2 महीने थे। वो बात मेरे दिल को ऐसी लगी कि मैंने ज़िंदगी में उस लड़के को फर्स्ट टाइम हराया। मैंने उन 2 महीनों में इतनी मेहनत की। देखो कोई जीनियस है ना जो गिफ्टेड है, उसको सिर्फ एक आदमी हरा सकता है, सिर्फ वो जो ज़्यादा मेहनत करता हो। अगर उससे ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो हार जाएगा, और ये बात मैंने प्रूव की थी उस दिन। मैं उसके बाद कभी नहीं हराया उसे, उसके बाद वो फर्स्ट नहीं आया कभी, लेकिन मैंने उन एग्जाम्स में उसको हराया था। अगर वो ये शो देख रहा है तो उसे याद होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट गेम। हाँ जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी अपनी टीम मेंबर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये है कि जब भी वहाँ से कोई भी आता है तो हमारे टीम मेंबर्स ये बात सोच के बैठ जाते हैं, नहीं यार हमने तो हारना ही है और हम हारेंगे। असल में देखें, असल हार वो होती है जो आप बिना खेले हार जाते हो, उसको कहते हैं आपके जो मेंटली डिफीट करेगा वो तुम हार जाओगे वहाँ पर। अगर ये सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होना तो फिर नहीं होना। सोचो हमेशा ये कि इसकी मजाल जो मुझसे ना हो, टकराने किससे आया है, मुझसे टकराने आया है, हरा के दिखाया मुझे। आ जाओ भाई जल्दी से, टकराने से याद आया, टक्कर का गेम लेकर आया हूँ मैं, पंजे का। कौन आएगा जी यहाँ से? दो लोग यहाँ से चाहिए। अरे पनिश बताओ ना किसको? बलाज को। बलाज को आइए, कैप्टन आइए। सर एक मेरी बात सुने, जी जी कैप्टन हूँ। अच्छा वन बाय वन, तू क्या कर रहे हो?
कल मेरी गेम थी, इसने पहले शाताज ने भेजा अबीहा को कि आप सजा के लिए जाएं। इसे जैसे ही देखा मेरी गेम है फौरन बदल गई। तो पहले तो उसने सजा दे दी थी, वो आ भी थी तैयार हो रही थी, तो ये तो कोई तरीका नहीं है, फौरन से गेम देखा और चेंज कर दी। तो पहले इन्होंने किसी को नहीं बोला पहले? नहीं, पहले इसने शाताज ने कल बोला था कि मैं अबीहा को सजा। अभी आज किसको बोला? इसने बोला किसी को पहले? नहीं, अभी नहीं, वैसे कल की बात बता रही हूँ। अभी भी इसने देखा कि बलाश को हम भेजेंगे तो फौरन। देखो अभी तो पावर इसके पास है, देखो ना शुरू में तो लड़की आ रही, हो सकता है उस तक इसकी सजा खत्म हो जाए। आ जाओ बलाज जल्दी से। चलें ठीक है, आमिर को दे दें सजा बस। अगर बलाज खेल लेगा नहीं, आमिर ले आ जाओ। आमिर पंजे नहीं लगाएगा। आओ भाई आओ, चलो आमिर साहब नीचे बैठे। अच्छा जी, दो पॉइंट्स का गेम है, एक मेल फीमेल यहाँ से, एक मेल फीमेल यहाँ से। फीमेल कौन आ रहा है यहाँ से? अभिया कौन आएगा जल्दी बताओ? राबेल यहाँ से, राबेल है तो यहाँ से कौन है? अरे हम आइए, ये है मजेदार मुकाबला। असल में दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है कि ये चाहती हैं कि ये जीते और ये चाहती हैं कि ये जीते, लेकिन आप लोग देखिए इनमें से कौन किसको हराता है। रेडी अरम, चलो। अच्छा हाथ ऊपर। राबेल एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बेटा आप हाथ नहीं उठाओगे। आपकी जब कोनी हिलती है और कोनी उठ जाती है तो तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए यहाँ से हाथ नहीं उठाना। चलो आज देखते ना कौन उड़ाता है किसको मैदान से। एक हाथ से पकड़ो राबेल, राबेल 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 इसको पकड़ो। रेडी गो, चलो 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 चलो। सही है सही है सही है, हाथ सही। राबेल कोनी नहीं लेगी। ना 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 ना, कोनी कोनी उठाने का था और यहाँ से बातें हो रही थी और टिकटॉकर्स ने प्रूव करके दिखाया। टिकटॉकर्स पे इतनी बड़ी बड़ी मजे रखी, मैं तो यही लग रहा है। एक पॉइंट गया, हार गई। तो अपने साइज देखो ना, इतनी चर्बी है तो चढ़ी हुई है। तुम क्या हो बेटा, इधर आ बताओ। राबेल राबेल राबेल, इनको जरा पट्टा डाल के रखें। राबेल बुरी बात, एक पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। चैंपियन की तरफ से कौन आएगा? मिल कौन आएगा, कौन आएगा जल्दी बताओ? बलाज वर्सेस मीर। चलो भाई रेडी, चलो 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 चलो, रेडी हो? कौन आएगा बलाज, कौन आएगा? हाँ आमिर आगे, पनिश खत्म हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आमिर भी आ सकता है, आमिर भी आ सकता है। बलाच आप बताओगे कौन? आमिर आ जाओ, आमिर चलो। आमिर ये पॉइंट गया, तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे फिर। चलो भाई रेडी, आवाज नहीं आ रही। अभिया बेटा इधर आ जाओ, सामने से उठो, कैमरा ब्लॉक कर रहे हो। ये बात कोनी नहीं लिखनी चाहिए, ये है कांटे का मुकाबला। रेडी गो। हो गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देगा। जा बात पावर की है, वो आमिर से ज्यादा तगड़ा मुझे नहीं लगता कोई है भाई, इसलिए ये पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ और एक पॉइंट गया टिकटॉकर्स के साथ। सजा किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन जश्न मिलके हो सकता है। आ जाओ हो जाए, क्या हुआ ये? मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल से तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल से तीर चलावे, मेरा बन जा दिल पर मेरे तू समझा लिया। मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल से तीर चलावे, मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल से तीर चलावे। जबरदस्त, क्या कर रही हो अरम आप? अरम को माइक दीजिए, अरम को माइक दीजिए, अरम कुछ कह रही थी। बंदरों की तरह नाखून चुभती हो यार, क्या हो गया? इतने बंदों से चुभवाए तो मैं ज्यादा पता। मैंने तुम्हें देखा ना नोट किया, बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। भी वैसी। अच्छा नेज लगे हुए, बेबी ग्रेलिक्स होए हुए, तुम्हारी तरह नहीं घर से उठ के आई, समझ आई? आओ भाई नेक्स्ट गेम लेकर आओ। मैं नहीं चाहता, ऐसे लगता है नालियां साफ। चुप करो, देखो देखो ये होते हैं हाथ लड़कियों। देखो देखो देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग प्यारे प्यारे मर्दों वाले आदमी होते लेके जाओ गाइस, मैं नहीं चाहता। इसलिए प्यार मोहब्बत से खेलो और प्यार मोहब्बत से हरा के जाओ। चलो भाई टॉस की बारी आप लोगों की है, बताओ। टिकटॉकर्स, और टिकटॉकर्स ही आया है जनाब। टिकटॉकर्स आज टॉस भी जीत रहे हैं और गेम भी जीत रहे हैं। जी आइए, कौन आएगा आपकी टीम से? तुबा तुबा आएंगी। तुबा आज के गेम्स तुम्हें जीतने चाहिए, तुम हार रही हो।
चलो भाई एक मिनट पूरा तुम्हारे पास रेडी गाइस 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 कैमरे से दो रेडी गो आया हम दूर की राहों से जंगलों में जादू भरे खानों से पार कीजिए मैंने दरिया कई तेरे लिए देखी है ये दुनिया नई सात समुद्रों को तह भी गया कैसे कैसे खतरों को मोल दिया प्यार का मैंने तुझे तन गाया कहीं जाके मैंने तुझे पाया टाइम आप एक दो तीन चार पांच छह छह स्कोर कर दिए जी कौन आएगा रबीका या शताज रबीका आएंगे आइए रबीका पूरा एक मिनट है तुम्हें सात स्कोर करना होगा रेडी गो जब तुम्हारी जरूरत थी टीम को रबीका जब तुम हार गई हो चार स्कोर किया रबीका ने भाई छह स्कोर किया था तू मारे इसलिए पॉइंट किया टीम चैंपियंस के साथ आ जाओ चैंपियन हो जाए मत करो चलो भाई सजा किसको मिले अरे आराम से मोटी पक्की बात है वैसे भी आज वो बेचारी गाय बन के आई हुई थी दानिश सर वो गाय बन के आई थी उसको इतनी बेइज्जती फील हो गई उतार दिया बेचारी ने आ जाओ दानिश भाई इधर अच्छा इधर तुम मुझसे जल्दी क्यों यार अरे मेरे इधर माइक में तो बोलो तुम क्या बोल रही हो बेबी पनिशमेंट के लिए बुला रहे क्या कह रही हो पनिशमेंट के लिए सिर्फ तुम्हारी ना यही है तुम्हारा लेवल सिर्फ पनिशमेंट वाला ही है तभी इधर आ जाओ चलो आ जाओ आंटी इधर आ जाओ हाथ ऊपर इधर से बैठो चलो भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से लेकर आइए क्या है नेक्स्ट गेम काशिफ साहब ओके एक के बाद एक नहीं सुनाई गेम आज काशिफ तुम घर में बनाते हो गेम तुम्हें शर्म नहीं आती है अच्छा ये गेम तो पहले भी खेल चुके आप लोग चलो भाई एक पॉइंट का गेम है कौन आएगा यहाँ से डिसाइड करो लाए जी जल्दी से टॉस 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 बारी है हुसैन की अरे तुम्हारी नहीं है मुझे पता है तुम्हारी नहीं है बारी यार बताओ भाई बलाच जल्दी से चैंपियंस और फिर तुम लोग टॉस आ रहे हो फिर चैंपियंस टॉस आ रहे हैं टिकटॉकर्स टॉस जीते हैं ये तो अभी वक्त बताएगा कौन जीतता है आओ भाई कौन आएगा चैंपियंस के पास अभी आ जाओ अभी इसको सही करो अच्छा अभी जब ये पांच तुम फिल कर लोगी उसके बाद तुम दोबारा वन से स्टार्ट करोगी सही है हाँ तो रेडी अच्छा अच्छा ठीक है फिर ठीक है चलो 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 रेड चलो चलो कोई बात नहीं रेडी हो चलो भाई रेडी गो दिल में बहुत आ रहा बहुत आ रहा अभिया बहुत आला मिला सहारा तेरे नहीं सहारा
आ गया, अभी आ गया। आप तुम जब भी मिलते हैं आंखों आंखों में होते हैं गुम, दिल बोले गुम। अरे वाह भैया, एक और रिकॉर्ड जाएगा। मेरे सीने की धड़कन को सो, मेरी सांसों को टाइम अप। और अभी आई मेरे ख्याल से अभी तक का रिकॉर्ड हो गया जबरदस्त, 4, 5, 6, 7 स्कोर किया है अभी आने फाइनल में शाताज 8 स्कोर। बहुत जल्दी जल्दी करना होगा तुम्हें। चलो भाई एक मिनट है पूरा तुम्हारे पास, आ जाओ अरम अरम अरम, गो बैक टू यू सीट, रेडी रेडी गो। क्या बात है शाताज, ब्रिलियंट, 8 स्कोर किया है शाताज ने आज, वेल डन गाइस। और ये पॉइंट फिर से किया टीम टिकटॉकर्स के साथ, आ जाओ हो जाए। कमीज तेरी काली सोने बुला वाले, कमीज तेरी काली सोने बुला वाले, हमें बस है तू बनाए नशा कर दिली रे, हमें बस है तू बनाए नशा कर दिली रे, मैनू लेके जाना है किया वाले। चलो जी जबरदस्त। हाँ भाई हाँ। जब वो लोग जीते आप कितना खुश होते हैं? किसने कहा? मैंने अभी जब देखा 7 स्कोर किया उसने, तब मैंने तुम लोगों को भी अप्रिशिएट किया। जो अच्छा खेलेगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। सर शाताज की चीज के साथ नहीं हूँ, गलत बात। जब ये जो मैग्नेट सर पेन किया है तुम लोगों के साथ भी वैसी सेलिब्रेट करता हूँ। खैर तुम्हें सजा मिल गई, तुबा को कौन है भाई, किसको तुबा को सजा किसको देनी है? बिलाल, आए बिलाल साहब आइए तुम्हें किसने ये पावर दी कि तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हें यहाँ आना है या वहाँ आना है या गेम से बाहर जाना है? किसने बताया तुम्हें? अगर मैं ना करूँ तो गेम से बाहर, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, चलो नीचे करो हुट, किसने करना है नीचे, किसने जो हुट करना है करो। जब यहाँ पर आके वो लोग बैठते हैं तो अरम को भी तो तुम्हारी टीम मेंबर्स बोलते हैं, जब चुप नहीं रहते तुम लोग। चलो भाई नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम जी। ठीक है फिर हम बाहर चले जाएंगे आज, आप हम वैसे भी हमारा लास्ट शो है। वो आप जाने, आपका काम जाने, लास्ट शो हो या पहला शो हो, यहाँ आप लोग आए हो खेलने, हार के जाओ जीत के जाओ मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम में से कोई भी चला जाए ये पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह तुम लोग हार जाओ और घर चले जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ताल्लुक बोल नेटवर्क से, तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, हम जीत के जाएंगे। चलो भाई आओ जल्दी से नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम, टॉस 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 जल्दी से। हाँ भाई बारी किसकी, तुम्हारी है उनकी है तो बताओ भाई। सर बिलाल हाथ ऊपर करो, टिकटॉकर्स और फिर से टॉस जीते हैं भाई ये लोग, टिकटॉकर्स फिर से टॉस जीते हैं, इसलिए चैंपियंस के पास से कौन आएगा जल्दी बताओ। गेम समझाएं सर, कौन सा गेम? हाँ भाई क्या करना है गेम बताओ। आमिर तुम तो खेलते रहते हो ये गेम यार, आमिर खेलता ही ये गेम, आमिर को बताया क्या करना है। चलो भाई पूरा एक मिनट है चैंपियंस के पास, जितने कम टाइम में कर लोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास चांस होगा जीतने का। रेडी गो, क्या बात, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। अब बस
सेकंड्स रह गए थे, तुमने 40 सेकंड्स में ये सारा स्कोर किया है, 39 सेकंड्स में करना है, कौन आएगा? कौन आएगा? अब्दुल वासित आ जाओ, 39 सेकंड्स में करना है तुमने, 40 सेकंड्स में किया, वापस आ जाओ बिलाल वापस, चलो रेडी रेडी गो। कभी खा के देखो, आज की रात बहुत खाली है, सोच कर ही चला के देखो, दूरी में क्या छुपा है उसका खोज लगा के देखो, ओ इसे मिला के दे। और चार स्कोर किया सिर्फ 40 सेकंड में, इसलिए ये पॉइंट जाएगा टीम चैंपियंस के साथ। आ जाओ, हो जाओ भाई, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो, दूरी में क्या छुपा है इसका खोज लगा के देखो, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। पता नहीं इसके अपने अपने स्टेप से टाइम उल्टा चला था। हाँ ना, तो 40 सेकंड किए थे ना, ना 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 40 सेकंड से उल्टा चला था, तुम्हें उससे पहले करना था ना, 39 सेकंड में करना था जी, 39 में करना, तो 40 से स्टार्ट किया था ना, अगर तुम एक सेकंड पहले भी करते तो जीत जाते, तुम्हारे पास 40 सेकंड थे ये गेम जीतने के लिए। खैर, ये पॉइंट जीता है टीम चैंपियंस ने गाइस, वेलकम बैक। अब बताओ किसको सजा देनी है, सजा तो बताओ किसको देनी है, गेम वो शाताज को, शाताज को, शाताज आइए शाताज, अरे इतनी जल्दी में, अरे अरे बात आला, आइए भाई नेक्स्ट गेम जल्दी से लेकर आओ, नेक्स्ट गेम क्या है? हाँ अच्छा चलो जी आओ, इसमें आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, हमको उस तरह फेस करके खड़ा करा देंगे। चलिए जी, दो प्लेयर्स चाहिए यहाँ से, दो प्लेयर्स चाहिए यहाँ से, बिना देखे बॉल आप फेंकेंगे और कैच करने के लिए ऑब्वियसली बलाज साहब तो हैं, मेरी आंखों पर पट्टी नहीं, बताओ हमारी है सर, आपकी है, अभी तो हारे थे, बताओ टिकटॉकर्स, और शुक्र है तुम लोग टॉस, फाइनली टिकटॉकर्स टॉस जीते हैं जनाब, ये लीजिए, इससे पहले आप लोगों के पास कोई आएगा, बताओ कौन आएगा, दो प्लेयर्स, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वहां जाओ अरम, तू वहां बैठ जाओ, ये मार्क फाइनल है आपका अरम, ये फाइनल मार्क है आपका जी, आपको यहां आना है, उसकी उसकी लाइन में रहना, चलो भाई पूरा एक मिनट है तुम्हारे पास, एक मिनट, थोड़ा और पीछे हो, थोड़ा और पीछे हो, ये फाइनल मार्क है, देखो ये निशान लगा हुआ है, ये फाइनल मार्क अरम, आगे हो आगे हो आगे आगे, बस चलो रेडी रेडी, एक मिनट है पूरा तुम्हारे पास, दो पॉइंट का गेम है गाइस, रेडी गो, लूट के ना जा, मान भी तो जा, अरे मान भी तो जा, शाबाश 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 शाबाश, ना जा गोरी है, मान भी तो जा, अरे मान भी तो जा, ये बोलो बोलो, टाइम अप, तीन ही हो गई बाकी की नहीं है, ठीक है जल्दी आओ, नेक्स्ट कौन आएगा वहां से, हाँ बाबा साहब, हाँ भाई कौन आएगा, अभी आप आओगे, देखो एक एक खास स्पीड से फेंक रहे थे वो लोग बॉल, उस तरह ही देखना, चलो रेडी, 24 स्कोर किया है टीम टिकटॉकर्स ने, 24 25 स्कोर करना है, एक मिनट है तुम्हारे पास,
दिखाओ मार्क पीछे पीछे बिल्कुल सही करियो ये तुम्हारा मार्क है चलो रेडी रेडी गो अरे वाह 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 अरे हम भी कोई है मैं नहीं अपने भरम ना दिखा ये मेरी खाला जी का घर नहीं है ये लारी ये लारी ये लारी ये लारी तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारी ये लारी ये लारी ये पैर पीछे रखो वो नहीं होगा ना जहाँ से बड़े दो दो नहीं है दो दो नहीं है दो 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 हाँ जी तब तक तुम लोग क्या स्कोर हुआ एक मिनट स्कोर स्कोर जल्दी से बताओ टोटल क्या स्कोर हुआ है और 22 स्कोर किया चैंपियंस ने इसलिए दो पॉइंट जाएंगे टीम टिकटॉकर्स के साथ मैं जा रहा हूं एक छोटे से ब्रेक पे वापस आऊंगा तब इन लोगों को सजा मिलेगी कहीं जाइएगा नहीं फाइनल चल रहा है जनाब गेम शो चलेगा ऐसे ही चलेगा आप लोगों को जहां मैं छोड़ कर गया था आप लोग बहुत एंटरटेन हो रहे थे वहीं रिज्यूम करता हूं जी आइए नेक्स्ट गेम है सुर संभाल के तीन पॉइंट्स का गेम है मैंने सुना है कि आज टिकटॉकर्स कुछ प्रिपेयर करके आए हैं हमारे शो के लिए देखने जाऊंगा वो क्या है लाइए जी पहले टॉस होगा टॉस की बारी किसकी है बराज तुम तो टॉस जीते थे मुझे याद है बताओ भाई हुसैन साहब चैंपियंस 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 और चैंपियंस ही आया है गाइस सजा सजा भी तो देनी थी टॉस जीते हैं जी टिकटॉकर्स किसको तुबा तुबा को सजा तुबा आइए सजा आपका इंतजार कर रही है तुबा आइए तुबा खुशी खुशी आती है तुबा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चलो भाई हाँ जी कौन आएगा आपके पास से आप लोग टॉस हारे हैं एज ऑलवेज आइए जी अभी कौन सा गाना है आज आज फाइनल वाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से कौन सा गाना है आप जैसा कोई आ गया अभी राइट में आओ रेडी गाइस अच्छा चलो ये एक तो इतना स्लो हो गया भाई रेडी चल रेडी अब क्या हो गया अब रेडी हो ये रोज यही करती है चलो भाई रेडी रेडी गो गाइस लल्ला ला 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 लल्ला लल्ला ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए फूल को बहार बहार को चमन दिल को दिल बदन को बदन हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन काश ऐसा दिल मुझ पे आपका भी आए तो बात बन जाए आहा बात बन जाए आज ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए आहा हाँ भाई कौन आएगा आपके पास से टिकटॉकर्स अरहम अरहम आओ भाई अरहम अरहम को माइक दीजिए अरहम कौन सा सॉन्ग है बोल कफारा
बोल कफारा आगे तो और माइक करीब करके गाना तो बहुत दूर करेगा। रेडी गो। नहीं कल करेंगे साल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल कफारा क्या होगा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। भूल गई। नहीं नहीं, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बिलाल, पता नहीं जब से सो रहा था अपना गाने याद कर रहा था, जब बिल्कुल एंड रहेगी ना तब इसने एंट्री मारी और गाना खत्म, और गाना खत्म हो गया। हाँ भाई कौन आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट कौन जाएगा? तूबा आ रही। तूबा आ जाओ। माइक 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 दीजिए गाइस, माइक दो माइक। क्या कर रही हो रम, क्या हो गया? चलो माइक दो यार, क्या हो गया? कौन सा गाना है तूबा, कौन सा गाना है? गाने तो दो। चलो भाई आज ही गाना है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। बिलाल तुम ये करके दिखाओ बिलाल। मगर तुमसे सीखा मगर तुम गाना गाओ ना, तुम गाना गाओ, हम खेल रहे हैं पीछे। हाँ ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। ठीक है आजा आजा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है हाँ भाई, नेक्स्ट कौन है? शाताज आ जाओ, शाताज। चलिए जी माइक दीजिए, माइक 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 इसके पास आ जाओ। शाताज कौन सा गाना है? करार और राशा तो सॉन्ग है। क्या मतलब होता है इसका? मुझे करार आ जाए, मुझे करार आ जाए, मुझे करार आ जाए। करार और राशा आगे आओ यहाँ पर आओ। रेडी गो। करार और राशा क्या सुन सुन के गाओगी क्या? नहीं नहीं वो मुझे लिरिक्स इसके निकले नहीं है ना बेटा, ये प्रिपेयर पहले करके आना था। फाइनल खेल रहे हो आप। 5 4 3 ददे महेंद्र में पमीन के करार निश्ता, बगैर लताना में दुनिया के बल सुफियार निश्ता, खुशहाल नया माप जन के मशुमदड़गे में दर फंसे कड़े की ग्राना यारा हो। करार राशा, करार राशा हो, करार राशा, करार राशा। क्या हुआ? बस thank ये you, करार राशा you. भाई किसकी बारी है? कौन है नेक्स्ट, कौन है जल्दी से? राबेल, राबेल कौन सा सॉन्ग है?
गाना कौन सा रबेल? पश्तो सॉन्ग है दाशम है। ओके स्टार्ट रेडी स्टार्ट गो आप म्यूजिक भी बजाएं साथ प्लीज हमारे अच्छा बैठ जाओ ये परफॉर्मेंस थी बस ये गाना गाना था अच्छा जी यहाँ से कोई रह गया और अभी का बहुत आला सर असल में मुझे इतना गुस्सा लग रहा है कि तुम लोग आज प्रिपेयर करके आए हो जबरदस्त खेल रहे हो सर आज मुझे बहुत गुस्सा आया मैं गाना चाहता हूँ एक मिनट तुम गाना चाहते हो अच्छा एक मिनट रुक जाओ एक मिनट ये पहले ये गा रहा है तुम जाओ आओ आओ कौन सा गाना है सर प्यारे अफजल प्यारे अफजल गाना है आओ प्यारे अफजल चलो भाई प्यारे अफजल रेडी गो बिछड़ गया हर साथी देखकर पल दो पल का साथ गाइस को फुर्सत है जो थामे दीवानों का आमिर आमिर ये इंडियन सॉन्ग है इंडियन है प्यारे आ जाओ पाक सर वो हम एंड में साथ मिलके पढ़ेंगे चलो माइक दो माइक 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 वापस कौन सा गाना जल्दी बताओ आज फाइनल है तो मैं कुछ नया लाई हूँ स्पेशल तैयार करके तो मैं चाहूंगी मेरी टीम मेरे साथ आए अच्छा आप कुछ प्रिपेयर करके आए हो आप चाहते हो आपकी टीम आपके साथ ये कवाली है खान साहब नुसरत फतेह अली खान की अच्छा आप लोग साथ मिलके गाओगे आओ भाई आओ भाई ये देखो टिकटॉकर्स प्रिपेयर करके आए हैं कि फाइनल है बहुत आला जी कोई कवाली गा रहे हैं जबरदस्त हो जाए फिर वाह वाह इधर बिलाल को ढोल दे दो एक ये खुद ढोल जैसा है बैठ जाओ बिलाल को आने दे नहीं 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 फिक्स नहीं इधर 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 बिलाल खुद ढोल जैसा आमिर इसको बजाए चलो गाइस रेडी गो सोचता हूँ सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे कैसे क्या हो गए देखते कैसे क्या हो गए देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे बनाया सनम
जबरदस्त बेहतरीन, क्या बात है क्या बात है। हाँ भाई बिलाल साहब, आप कुछ प्रिपेयर करके आए आज के लिए? हाँ हो गए, तीन हो गए। माइक तो बिलाल को, बिलाल का गाना रह गया। माइक 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 माइक, चलिए जी बिलाल ये रहा माइक, माइक लीजिए भाई। बिलाल फाइनल के लिए कुछ प्रिपेयर करके आया है। हाँ भाई, कौन सा गाना? पंजाबी सॉन्ग लाइट सूफी, पंजाबी सॉन्ग लाइट सूफी। एक और मुश्किल गाना प्रिपेयर करके लाया। कौन सा? मुखरे ते नजर हटाओ, मुखरे ते नजर हटाओ। चलो रेडी गो गो। ओके ओके, हाँ हाँ, नहीं म्यूजिक बजेगा, नहीं बजेगा बजेगा म्यूजिक। तो नहीं कैसे करें, जब तुम गाओगे तो स्टार्ट करेंगे ना। चलो तुम स्टार्ट कर दो यार, अभी हो जाए यार अभी। चलो आज हो गया स्टार्ट। चलो कि वे मुखरे ते नजर हटाऊं, कि वे मुखरे ते नजर हटाऊं, ना तेरे जैसा हो जी करदा मैं तेनू वेखी जाऊं, जी करदा मैं तेनू वेखी जाऊं, ना तेरे जैसा हो तू मेरी मैं तेरा होई, तेरे वर्गा होर ना कोई। कि वे मुखरे ते, कि वे मुखरे ते, मुखरे 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 ते, मुखरे ते मुखरे ते मुखरे ते, ना तेरे जैसा हो जो तेरे कदमा विच मिल जा था। कि वे मुखरे ते नजर हटाओ। हटा ले भाई, थैंक यू ओ भाई, हमारे मुखड़े से नजरें हटा ले यार, हटा ले यार तेरे मुखड़े। तो मैं चाहूंगा आप लोग बताएंगे कौन जीता है, लेकिन एक मिनट बताने से पहले यार, फाइनल है यार लकी, एक गाना अगर आपकी आवाज में नहीं हुआ हमारा फाइनल कंप्लीट कैसे होगा यार? हो जाए जल्दी से। चुपचाप से ही मसले हतन वक्त के हाथों, चुपचाप से ही मसले हतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं। तो नहीं तेरा याद है भूला तो नहीं। वाह 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 वाह, जो बिलाल ने आज ये एक्सप्रेशन दिया ना तुम्हारे गाने पे, ये भूला तो नहीं हूँ। दानिश भाई मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, फाइनल एक्सप्रेशन जबरदस्त। खैर डिसाइड करेगी आज मेरी टीम, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या कह रही हो भैया, क्या कह रही हो, बोलो बोलो बोलो। आज फाइनल है, हां बिल्कुल, सबने गाना गाया, बिल्कुल गाया, लगी सर ने भी गाया, तो क्यों ना आपकी आवाज में भी हो जाए। कि मैं गाना गाऊं, एग्जैक्टली फाइनल जो है डेफिनेटली जरूरी है। पता नहीं कौन सा गाना है, क्या बात है। एक दानिश भाई, अच्छा 11 बजे तक मैंने तो घर से बोल दिया। सबनी मुझे मेरी बात भी याद नहीं है, वॉल्यूम पे मेरी। दानिश सर जो आपको समझ में आए वो गाते हैं। रवि गाले लाओ भाई, माइक दो। कहाँ है भाई माइक? पता नहीं, अब तो थोड़ी सी भूल ना गया हूँ यार, लिरिक्स से भूल गया। अच्छा चलो कोशिश कर। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई नहीं, किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखा च दरिया मैं जख्मां दी थां रोड़ना, जे तू कदी राबी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं पानी विचों सां छोड़ना, ये तो कदी रावी लंघ जावे।
बताइए जी बताइए कौन है आज का विनर? आज का विनर वैसे तो बहुत अच्छा गाया अभियान है ना, चैंपियंस। हाँ अभिया तुमने आज बहुत अच्छा गाया था वैसे। अभियान ने बहुत अच्छा गाया। अभिया ये वोट चैंपियंस के साथ जाएगा? जी चैंपियंस। एक वोट चैंपियंस के साथ जी। टिकटॉकर्स। टिकटॉकर्स क्योंकि आखिर में तुम लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। परफॉर्मेंस आज टिकटॉकर्स की अच्छी थी लेकिन अभिया ने अच्छा गाया। ओके तो ये सारा क्रेडिट जा रहा है सिर्फ तुम्हारे कंधों पे अभिया जी। दो वोट चैंपियंस। ओ तीन वोट। टिकटॉकर्स ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी लेकिन अभिया ने चैंपियंस की इज्जत रखी। ओ चार वोट गए चैंपियंस को। चैंपियंस अभी और ये पांच के पांच वोट गए हैं चैंपियंस को। वही एक वोट मिला है टिकटॉकर्स को, इसलिए तीन पॉइंट जाएंगे चैंपियंस के साथ। हो जाए नचेंगे सारे हाथ सोने वे, नचेंगे सारे हाथ सोने वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोने वे, कर लो थोड़ा सा प्यार, कर लो थोड़ा सा प्यार सोने वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। क्या फायदा भाई आप लोगों ने इतना ड्रामा किया, कोई फायदा नहीं मिला, बस ऐसी फालतू की ड्रामे। यही पैसे भी दे दिए हैं यार, हमारे पैसे भी ले लिए। चलो कोई बात नहीं रावेल, एक एक फायदा था, एक फायदा था पैसे तो मिले इनको। चलो हमें पता था तुम लोग हार हो तो हम थोड़े से पैसे देते, तुम लोगों का दिल नहीं। अच्छा भाई चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तीन पॉइंट्स हो गए इनके साथ लेकिन इसमें सजा किसी को नहीं मिलती, तो तुम लोगों को सजा नहीं मिलेगी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन की सजा नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट गेम है जी, आज का क्रिकेट याद रहे चार ओवर्स का गेम है, तीन पॉइंट्स का गेम है। कल टीम टिकटॉकर्स जीती थी मेरे ख्याल है, तीन दफा टीम टिकटॉकर्स जीत चुकी है, सिर्फ एक बार चैंपियंस जीते और चैंपियंस आज क्रिकेट जीतना बहुत जरूरी है। हाँ भैया बोलो। दानिश सर लड़की भी खेलेगी ना? लड़की भी खेलेगी बिल्कुल, लड़कियों का दिल नहीं होता क्या? बिल्कुल खेलेंगी लड़कियां। दो लड़कियां खेलेंगी दानिश सर। दो लड़कियां खेलेंगी? चार लड़कियां दो लड़कियां। चार लड़कियां दो लड़के, चलो ठीक है चार लड़कियां दो, चार लड़के दो लड़कियां खेलेंगी आज। बस आ जाओ भाई आ जाओ, टॉस 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 जल्दी से। बारी किसकी है? हमारी हमारी हमारी। आप लोग जीते थे यार? नहीं आप लोग टॉस जीते थे, सही तो कह रहे हैं, वो लोग आए थे पहले। उसमें तो टॉस होता ही नहीं है ना पहले, सिंगिंग में टॉस नहीं होता क्या? क्या हो गया फ्रेंड तुम्हें? बताओ। और टॉस हार गए जी चैंपियंस टिकटॉकर्स, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी कौन आएगा? बैटिंग बॉलिंग? बॉलिंग करोगे आप लोग? टिकटॉकर्स करेंगे बॉलिंग, बैटिंग करेंगे पहले आप लोग। कौन आ रहा है? अरे ओपनिंग पे आ रहे हो तुम? अरे वाह भाई वाह, बिलाल से ओपनिंग हुई है आज, क्या होगा जबरदस्त। हो जाए भाई चलो, फाइनल का क्रिकेट है, तीन पॉइंट्स का गेम है। अच्छा इसको भी स्ट्रेट करो, इधर लाओ, इधर लाओ काशिफ, इसको भी यहां लाओ जल्दी से जल्दी से। अच्छा गाइस तीन तीन ओवर्स आप लोग करेंगे, एक एक ओवर दोनों तरफ से मैं करूंगा। चलिए रूल्स सारे वही हैं जो कल थे, थ्रो नहीं करनी है, थ्रो करोगे प्लस टू मिलेगा ऑपोजिट टीम को। रेडी तो शुरू करते हैं आज का क्रिकेट। तुम क्या कहाँ स्ट्रेट? अरे वाह चौका रोकने के लिए खड़ी है जबकि चौके का है नहीं, बहुत आला यार क्या फील्डिंग ली है तुमने। रेडी रेडी गो गाइस, चलो दो तीन पांच छह, अरे गई, अरे बाइक के नीचे, एक बॉल दो रन, बहुत आला बहुत आला, शॉट नहीं खेलना है, जोर से शॉट नहीं खेलना है, एक रन एक रन एक रन एक रन एक रन है वहां का, एक रन है यार। चलो 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 सही है, क्रॉसिंग हो गई, क्रॉसिंग हो गई, बढ़ती है तुम्हारी खैर। चलो दो बॉल तीन रन, बहुत आ रहा, चलो शाबाश। ओ वेल बोल्ड, तीन बॉल तीन रन, वेल बोल्ड शाबाश, तीन बॉल हो चुकी है तीन रन है और हा भाई आउट है, नहीं है नॉट आउट, नॉट आउट नहीं है नॉट आउट, चार बॉल तीन रन, बहुत आला बॉलिंग यार, छा गया अमीर, आउट हो गया, पांच बॉले तीन रन एक विकेट। गाइस तुम लोग फाइनल खेलने आए हो ना, ये लग नहीं रहा मुझे, तीन रन है आखिरी बॉल है। चलो भाई सही है हमें नहीं करेगी, पांच बॉले तीन रन, शॉट नहीं मारना है। अरे भाई रन ही नहीं है उसका, लेग बाय का रन ही नहीं है, आउट नहीं है, लेग बाय है पांव पे लगी है, रन नहीं है, ओवर हो गया तीन रन, एक ओवर तीन रन, आमिर तुम खेलोगे। चलो 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 चलो
वन ओवर थ्री रन कैसे ये खेल रहा था ना, रन ही नहीं हुआ लास्ट बॉल पे। चलिए लेग बाय लेग बाय, पैर पे लगी, मैं देख रहा हूं। एक बॉल एक बॉल, नहीं लगा, चलो 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 चलो, बहुत आला, दो बॉले दो रन। हाँ, तीन बॉले दो रन, बहुत आला बॉलिंग हो रही है। वाइट बॉल खेल रहे हो तुम लोग, चार बॉले दो रन, वाइट बॉल खेल रहे हो, इस तरह आगे खेलो, वाइट बॉल को जाने दो, चार बॉले दो रन, आउट आउट हो गया। पांच बॉले दो रन, आइए जी नेक्स्ट कौन है, ये आपकी तीसरी विकेट होगी, तीसरी विकेट होगी आपकी है, इसके बाद लड़की आएंगी दो। टोटल पांच स्कोर है, सिर्फ सिर्फ पांच रन है, लास्ट बॉल लास्ट बॉल, एक रन है एक रन एक रन है, ओवर, छह रन दो ओवर्स, जाओ खेलो, ओवर दो ओवर छह रन दो आउट। चलिए चलिए चलिए, तीसरे ओवर की पहली बॉल आ रही है, वाइट बॉल, वाइट नहीं करो, कोई बॉल नहीं, एक रन आ गया, वाइट बॉल, वाइट बॉल, एकदम पूरी वाइट है, दो रन आ गए जी, कोई बॉल नहीं हुई है, वाइट बॉल, कोई बॉल नहीं, तीन रन, एक रन एक रन एक रन एक रन, एक बॉल चार रन आए इसमें, पहुंच गए, दो बॉल है पांच रन, इस ओवर में पांच रन आए, दो बॉलें हुई है जी, वाइट बॉल, वाइट लेग स्टंप वाइट है, छह रन दो बॉल है छह रन, इस ओवर में छह रन आए, पाव पे लगी है, तीन बॉल है छह रन, तीन बॉल है छह रन, इस जगह से करो टर्न जहां से कर रहे हो, बहुत आला बॉलिंग बहुत आला बॉलिंग, चार बॉल है छह रन, चार बॉल है छह रन, वाइट बॉल, चलो 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 चलो, वाइट है, चार बॉल है आठ रन आ गए इसमें, चार बॉलों पे आठ रन आ गए जनाब, चलो चलो दो तीन दो तीन दो तीन, चलो दस रन पांच बॉल है इस ओवर में, दस रन आ गए लास्ट बॉल, चलो चलो दो तीन दो तीन, चलो 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 एक और एक और एक और, ओ ओवर, इस ओवर में तेरह रन आए, इस ओवर में तेरह रन आए, आवाज नहीं आ रही, लाओ भाई लास्ट ओवर है, आवाज नहीं आ रही है, लास्ट ओवर है, 19 स्कोर हो गया तीन ओवर में, चलो ओ एक बॉल, चलो 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 चलो, अरे बॉल छोड़ दी कीपर ने यार, यार तुम हाथों की बॉल छोड़ रहे हो यार, दो बॉल है एक रन एक रन एक रन एक रन एक रन है, वहां का एक रन है, तीन बॉल है दो रन, चलो चलो दो तीन, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, आउट हो गया आउट हो गया, तीसरे रन पे आउट हो गया, दो रन बना लिए तीसरे रन पे आउट हुआ है, कितनी बॉल हो गई यार, तीन या चार, आवाज चार बॉल हो गई, लड़की आएगी कोई, 23 स्कोर हो गया, चार बॉल हो गई, चलो चलो आमिर आउट करो आउट करो, वहां पर तुबा भागी नहीं, तुबा आप खेलोगे वहां खेलोगे, लास्ट बॉल है मेरी, चलो अभिया अभिया कह रही है इनको ऐसे बॉल करा दूंगा, आराम से खेलना है, माइनस टू हो जाएगा अगर शॉट मारा, ये लो, अरे 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 आउट ओवर 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 हो गया, ओवर हो गया अभिया, ओवर हो गया, ओवर खत्म, हाँ बताओ 24 रन का टारगेट है,
24 रन बनाने हैं तुम लोगों ने चार ओवर में। हाँ मैंने इतनी स्लो बॉल फेंकी, इससे मैं स्लो क्या फेंकता भैया, क्या नहीं किया था। अभी ओवर खत्म हो गया, अभी तो ओवर खत्म हो गया। चलो भाई चलो, 24 रन चाहिए जीतने के लिए। आवाज आ रही और जा रही है, चलो 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 आ जाओ। कौन आएगा बॉलिंग कराने, आओ बॉलिंग कराने आओ, चलो आओ। 24 रन चाहिए, जल्दी से आओ। चलो 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 शुरू करो यार। आवाज नहीं आ रही है। चलो भाई पहली बॉल, दूसरी इनिंग, एक रन। आवाज नहीं आ रही, एक बॉल एक रन, नहीं आ रही और जा रही है। दो बॉल दो रन, नहीं आ रही आवाज। बहुत आला मैच मजाना है, शाबाश। वाइड बॉल, इतनी बड़ी वाइड यार, दो बॉल है तीन रन, टांग पे लगी है, नहीं रन नहीं है, तीन बॉल है तीन रन, शाबाश। इसके पैरों पे खिलाओ, ये मिस करता रहेगा। तीन बॉल है तीन रन, आउट हो गया हुसैन, आउट हो गया हुसैन, आउट हो गया। तीन रन भाग लिए लेकिन ये लोग, तीन रन भागे, मुझे स्कोर बताओ भाई। नहीं आ रही आवाज, आ रही और जा रही है यार। चार बॉल है छह रन, एक मिनट ये वापस रखो। चार बॉल है छह रन, एक विकेट गिर गई है। चलिए आउट करो, मीर आउट हो गया, मीर आउट, आउट हो गया मीर। आप पांच बॉल छह रन दो विकेट्स, मीर आप आउट हो गए। अब्दुल बासित यहां खेलोगे। आप सही है, चलो पांच बॉल छह रन दो विकेट्स। ओ ओवर, बहुत आला ओवर यार, दो आउट हो गए छह रन, एक ओवर छह रन दो विकेट। आ जाओ आमिर, आमिर पैरों पे खिलाओ, मिस करेंगे ये लोग। चलो भाई चलो रेडी, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट। तुम भाग गए, तुम क्यों भागे, आउट होता है ये, आउट। अब लड़की आएगी कोई, दो लड़कियां रह गई हैं, तीन विकेट हो गई हैं आप लोगों की, तीन आउट हो गए आप, लड़की आएगी, अब दो लड़कियां आएंगी, दो लड़कियां हैं वो तो आखिर में, उनके पास की भी दो लड़कियां आई थी, तूबा भी आउट हुई थी और अभिया भी आउट हुई है, लड़कियां आएंगी अब। और ये मैच फंसा दिया है चैंपियंस ने, हाँ रनआउट आप खेलोगे, हुसैन रनआउट हुआ है यहां पर, एक बॉल कोई रन नहीं आया है। चलो एक रन है वहां का। दो बॉल है एक रन, आमिर गुड बॉल यार, शाबाश। दो बॉल है एक रन, तीन बॉल है एक रन, आउट करो, आउट। चार बॉल है एक रन और सारे आउट कर दिए, लास्ट विकेट है, लड़की आएगी कोई और ये जीता हुआ मैच हार गए। कहाँ है लड़की, कौन आएगी, कौन खेलने आ रहा है आप लोगों में से, आ जाओ भाई अरम। ओ चार बॉल है एक रन, सब आउट हो गए इनके। चलो 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 शाबाश। अरे और फाइनल में दूसरे ही ओवर के अंदर चैंपियंस ने टिकटॉकर्स को आउट क्लास कर दिया है। चैंपियंस जीते आज का क्रिकेट, शुरू के दो ओवर्स में ही तीसरे ओवर की नौबत दी आई और ये 3 पॉइंट्स
फिर से जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। आओ भाई हो जाए इश्क हो गया जे सारी रात तो जंज लग जावे सोने सजना करे दाई तुसा सारी रात तो जंज लग जावे सजना आ जावे छेती आ जा साधू मेले से लगा सोनिए सजना आ जावे छेती आ जा साडा दिल ना दुखा सोनिए। हर गाने पे उछलता कूदते रहते हो तुम यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है? है कोई स्टेप ही बना लो। खैर जी, तीन पॉइंट जीते हैं चैंपियंस ने और सजा बताओ किसे देनी है गाइस? तुबा तुबा तो गई, तुबा को थोड़ी बताए भाई किसको पनिशमेंट, जल्दी बताओ। बलाच आप ही बता सकते हो। हाँ अब्दुल बासित आ जाओ। अब्दुल बासित भाई, अब्दुल बासित साहब सजा आपको मिली है, इधर आइए। नील डाउन कीजिए। नहीं तुम लोगों ने इतनी फजूल रनिंग की है सिंगल डबल के चक्कर में, जल्दी जल्दी बैटिंग आने के चक्कर में, उसकी तो बैटिंग ही नहीं है, दोनों बार रन आउट करा दिया। नहीं मैंने कहा था थ्रो नहीं कर सकते ना, वो तो वो बस तुक करेंगे, अब जब तक वो थ्रो करेंगे हम रन बना सकते। तो फिर रन आउट कैसे हुए तुम लोग? हाथ में बॉल देके भाग रहे हो तुम लोग यार, शॉट खेल रहे हो उनके हाथों में बॉल और तुम भाग रहे हो। खैर चलिए जी नेक्स्ट गेम जल्दी से लेकर आइए। क्या है नेक्स्ट गेम है जी? आज की पोटली, ये भी तीन पॉइंट्स का गेम है गाइज। ये लगातार छह पॉइंट्स जीते हैं, तीन पॉइंट्स सिंगिंग के, तीन पॉइंट्स क्रिकेट के, आप लोग बहुत पीछे रह गए हो। अब बल्कि एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से स्कोर कार्ड दिखाइएगा, जरा स्कोर कार्ड देखते हैं गाइस। आइए जी, ओ 11 पॉइंट्स पे है चैंपियंस फाइनल में, वही 7 पॉइंट्स पे है टिकटॉकर्स। लग रहा है मुझे आज चैंपियंस नहीं छोड़ने वाले तुम लोगों को। चलो भाई पोटली, बारी किसकी है बताइए? हमारी है बेटा, उनकी है। हुआ था। बताओ, बिल्कुल सही है, हुसैन की बारी है। टिकटॉकर्स, और टिकटॉकर्स ही आया है जनाब, टॉस जीते हैं टिकटॉकर, इसलिए पहले गार में जाएंगे टिकटॉकर्स। आइए, सुबह हो गई मामू, उठ जाओ तुम, आइए जल्दी से माइक लेकर आइएगा। अब्दुल बासित 5 4 3 2 1 और ये जाओ जल्दी से, 5 4 3 चलो रवि का जल्दी से शाबाश, 54 चलो भाई आ गए, जबरदस्त जबरदस्त। आओ भाई चैंपियंस आ जाओ, आओ भाई चैंपियंस आ जाओ भाई अब्दुल वासी तुम वापस आइए आइए। ये गार आप लोगों का इंतजार कर रहा है, लगातार दो दिन से तुम लोग पोटली जीत रहे हो, किस्मत तुम लोगों के साथ है, मुसलसल तुम लोगों की पोटलियों में प्लस के अमाउंट्स निकलते हैं। माइक बोल जा सिम सिम, माइक माइक बोल जा सिम सिम, चलो भाई बोल जा सिम सिम, चलो भाई रावल 5 4 जाओ भाई जल्दी से, बिलाल साहब 5 4 3 बिलाल मैं वापस लाने नहीं दूंगा तुम्हें, 2 1 वापस रख दो, वापस रख दो, वापस रख दो, वापस 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 रखो, वापस रखो, ये बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर 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 जल्दी से बाहर आओ, बिला बिलाली वापस रखो, वापस रख करो, वापस रख करो, आ जाओ मेरे सामने, कूल ना बना करो दादा, जाओ। और चैंपियंस ने अपनी एक पोटली जाया कर दी है, बिलाल ने 5 4 3 2 1 चलो आ जाओ, चलो 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 चलो। और बिलाल साहब ने आपकी एक पोटली जाया कर दी है, सो रहे थे अंदर ही घर में जाके, जब मैंने काउंटिंग पूरी कर ली उसके बाद आया। चलिए जी अब तुम लोगों का मुकाबला है तीन पोटलियों का, दो पोटलियों से। बिलाल साहब अपनी पोटली लेकर नहीं आए हैं, और दोबारा गए थे, और पहले आप लोग गए थे, बल्कि पहले टिकटॉकर्स गए थे, सुकून से अपनी पोटलियां लेकर आए, यहां से चैंपियंस गए और जाके दो पोटलियां लेकर आए। चलिए जी आज की पहली पोटली ओपन करूंगा बालाज की। जी अभी जी अभी फाइनल है तो आज तो करने दें। नहीं अभी आज करते प्लीज, आज तो वैसे भी फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है सर, मुझे बिलाल के अलावा कोई और जाएगा, मैं जाओ जाओ अभी लेकर आ जाओ। चलिए जी पोटली नंबर 9 लेकर आए हैं बालाज, मैं जाता हूँ अभिया के साथ एक पोटली लेने, तुबा के साथ। तुबा माइक कहाँ है तुम्हारा, कैसे खुलेगा ये? माइक दीजिए, माइक दीजिए जल्दी से। चलिए बोल जा सिम सिम,
चलो भाई फाइव, ये होती है ना बात, ये देखो स्पीड क्या बात है। चलो भाई पोटली नंबर 9 लेकर आए हैं बालाज टीम चैंपियंस के लिए। अभी हाँ क्या लगता है कितना अमाउंट है सर? कौन सा नंबर है? नंबर 9। नंबर 9 है 7 लाख प्लस में जी। अच्छा हाँ भाई बिलाल तुम्हें क्या लगता है कितना अमाउंट है इसमें? 1 लाख। 1 लाख ओके। तुबा तुम्हें क्या लगता है? प्लस में कुछ होगा 7-8 लाख होने तो चाहिए। खैर बालाज तुम बताओ, कल हमने जो नंबर्स उठाए थे उनमें अच्छे रकम निकली थी, इस वजह से हमने उनको स्किप कर की। कल भी और परसों भी तुम लोग 2 दिन से जीत रहे हो, तुम्हारे पास प्लस में अमाउंट निकलने, लेकिन आज निकलने चाहिए प्लस में अमाउंट। इंशाल्लाह निकलेंगे। चलो बताओ भाई। 4 या 6 लाख। ओके हाँ भाई आमिर सर, मेरे सामने कैलकुलेशन की बात नहीं। हाँ नहीं आज मैं सही बताऊंगा, 9 नंबर है और इसमें आज माइनस इन्होंने रखे हैं। तुम्हें बता के रखे? नहीं मुझे पता चल गया इनका राज। कैसे? मैं बताऊंगा नहीं, ये खेल लेते नहीं। अच्छा भाई हाँ चलिए भाई। अच्छा भाई हुसैन तुम्हें क्या लगता है कितना अमाउंट है? -4 लाख। आइए जी शुरू करते हैं आज का पोटली गेम। सबसे पहले पोटली ओपन करने जा रहा हूँ बालाज लेकर आए टीम चैंपियंस के लिए पोटली नंबर 9। आमिर ने बोला कि माई क्या सर, सर ये क्या किया सर, क्या सर, किसी के बारे में अच्छा ही सोच लो तुम, फिर क्या करें, माइक में तो बोलो। सेक्शन भी यूज करनी है क्योंकि मैं इनका गेम समझ गया हूँ। आमिर चुप चुप, तू चुप रहे सर, मैं खोपड़ी तोड़ा सारे का, माइक वापस। अच्छा चलो अगर इसमें माइनस की अमाउंट हुई, अगर नहीं हुई तो मुर्गा बना दूंगा तुम्हें। अगर इसमें माइनस की नहीं हुई ना तो मैं पक्का आज ट्रॉफी लेके जाऊंगा। अच्छा पक्की बात है, चलो आ जाओ। आमिर तुम भूल गए एक बात, और वो बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कि ये पोटली लेकर आया था बालाज। बालाज किस्मत का धनी है, इससे पहले जब भी पोटली लाया है ज्यादातर प्लस में अमाउंट निकले। तो हुसैन तुमने कैसे सोच लिया कि माइनस निकलेंगे? बालाज लेकर आया पोटली नंबर 9 और आमिर सेठ बालाज चैंपियंस को चैंपियन बनाने के लिए 10 लाख लाया है पूरे। दस लाख 10 लाख लेकर आया है एक लिया चैंपियंस पोटली में। हाँ आमिर मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा, मुर्गा मुर्गा बन। सर एक मिनट में, असल में यही तो मेरा गेम है। क्या? मैं जो बोलता हूँ उल्टा होता है, तभी तो मैंने बोला। अब मैं तुझे ब्रीफ केस से बंद कर दूंगा। नहीं नहीं सर, आज इसको बनाना चाहिए वैसे क्योंकि अपने ही टीम में इत्तेफाक नहीं। ये चाहता है कि इसके अलावा कोई दूसरा प्लेयर जो है उसके सब में छोटे छोटे नाम आने। ये दोस्त है बिलाल का, उसके भी बारे में ये कहता है कि इसका छोटा नाम निकला मेरा बात। जेलस होते हैं टीम मेंबर है यार, अच्छा तो सोचो। इन दोनों की वजह से 10 लाख रुपए, वेल डन, जबरदस्त, बहुत ही ब्रिलियंट स्टार्ट है ये। फाइनल में पहली पोटली में 10 लाख। हाँ भैया बोलो। हाँ मैंने आपको बोला था ना प्लस में अमाउंट होगा। अरे क्या बात है तुम्हारी, कल से जो बोल रही वही हो रहा है। लाओ भाई वाटर कूलर, मैंने मंगवाया था तुमसे, कहा है वाटर कूलर चाहिए मुझे, नहीं है ओके थर्मस ला दो फिर। चलो भाई लाओ, यहाँ से बारी आई गाइस, 10 लाख रुपए तो गए। मुझे लगता है उनकी अगली पोटली है -10 लाख। पक्की बात है? तुम्हारी कौन सी पोटली है? लेकर आओ रबीका की पोटली लेकर आओ जरा। रबीका ने बोला कि उनकी अगली पोटली पे -10 लाख होंगे। आप बता दोगे -10 लाख आज किस पोटली में थे? अरम क्या लगता है तुम्हें? +10 लाख तो नहीं है, 9 लाख जरूर है। हाँ भाई मीर तुम खामोश क्यों हो गए यार? 9 लाख है इसमें पक्का। पक्का? हाँ चलो। हाँ भाई रवि का 9 लाख। अच्छा 7 लाख। हुसैन टेंशन में आ गया है। हाँ भाई 8 लाख होंगे प्लस में। 8 लाख प्लस में। गाइस अगर तुम लोग ये गेम भी हारे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। लगातार तीसरा गेम जीतेंगे वो लोग 3 पॉइंट्स वाला। खैर अभी देखते हैं, अभी तो स्टार्ट है। शाताज तुम्हें क्या लगता है? +8 लाख। हाँ भाई काश ये हमेशा की तरह आमिर की बात मान लेते, आज ये नौबत नहीं होता 10 लाख का। पक्की बात है? इसमें 9 लाख इंशाल्लाह। मैं पूछूंगा राबेल से, राबेल कितना अमाउंट है इसमें? राबेल मुझे पता है
माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, लेकिन 1-2 लाख होंगे प्लस में। अभी आप बताओ, बहुत अफसोस के साथ जी। चलो भाई मैं बताता हूँ कि ये अफसोस आगे जारी रहेगा तुम्हारे साथ या फिर रबीका ने रबीका तुम क्या कह रही थी अगली पोल्टी में किसका माइनस निकलने वाला। इसलिए कहते हैं एक चीज होती है कार्मा, अच्छा सोचना चाहिए सबके बारे में। तुमने बोला कि नेक्स्ट पोर्टली मैं जो भी ओपन करूंगा चैंपियंस की उसमें माइनस निकलेगा, ये रबीका ने बोला या रबीका ने सोचा ये, और अपनी पोर्टली के बारे में भूल गई। पोर्टली नंबर 9 में 10 लाख रुपए लेकर आए थे बलाज टीम चैंपियंस के लिए, और रबीका आज टीम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और तुम लेकर आई माइनस नहीं प्लस 9 लाख प्लस 9 लाख गाइस 9 लाख। मैंने बोला था तो डिफरेंस सिर्फ 1 लाख का रह गया। ओ मुझे लगा था हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, अब आगे ना निकल जाएं। मुझे ऐसा लग रहा था ये 10 लाख रुपए लेकर आया, अगर यहाँ से छोटा अमाउंट निकला फिर इन लोगों के लिए कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जनाब। किस्मत आज आप लोगों के भी साथ है और आप लोगों के भी साथ है। लाइए जी दूसरी पोटली ओपन करूंगा मैं। तूबा के बराबर है बैठी हुई राबेल, लाओ भाई राबेल की पोटली लेकर आओ। राबेल लेकर आई है पोटली नंबर 2, ठीक है ग्रे कलर की पोटली है। बिलाल साहब क्या लगता है आपको, 6 लाख? जोर से तो बोलो, 6 लाख रुपए फिलहाल को लग रहा है। आमिर तुम बताओ। सर इसमें माइनस 4 लाख है। माइनस 4 लाख है। हाँ भाई राबेल को क्या लगता है खुद? हाँ? क्या लगता है? 5-6 लाख होंगे। प्लस में? ओके। बालाज? 5 लाख या 4 लाख इंशाल्लाह। चलो जी तू बता तुम्हें क्या लगता है? 5-6 लाख। प्लस में? चलो भाई यहाँ से पूछूंगा मैं मीर से। मीर कितना अमाउंट है इसमें? इसमें माइनस 10 लाख पक्का। माइनस 10 लाख? हाँ। ओके। मेरा ये सिद्रा का बॉक्स और नहीं है। शाताज तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है इसमें माइनस 6 लाख है। माइनस 6 लाख है। आइए जी मैं बताता हूँ, ये 2 नंबर पोटली राबेल लेकर आई थी टीम चैंपियंस के लिए, और इसमें दस लाख रुपए पहली पोटली में बलाज लेकर आए थे, और राबेल उन 10 लाख में से अगर मैं 5 लाख माइनस कर दू तो, सॉरी यार पहली पोटली में 10 लाख रुपए निकले चैंपियंस के लिए बलाज लेकर आए, कितना अमाउंट बोला तुमने? 6 लाख। कितना अमाउंट बोला तुमने? -10 लाख। -6 लाख, -10 लाख इन लोगों को लगता है, लेकिन राबेल इसमें माइनस नहीं 7 लाख प्लस में। क्या बात है चैंपियंस, वेल डन, 17 लाख। बहुत अच्छा, ये हमारा कैप्टन आज अच्छा खेल रहा है। सर सर मैंने एक्चुअली नहीं चलो ठीक है, नहीं सर मैंने सही बताया था आज इससे। अच्छा? पिछले हाँ मैंने आपको माइनस 4 लाख बोला, लेकिन इसको मैंने कान में बोला 7 लाख इसमें। अच्छा कान में बोला था? अरे वाह, फिर फुटेज खा रही है, ये फुटेज खा रही है, चारों फैंस जो है वो आमिर को वोट। आमिर चुप रे चुप जनाब, 10 और 7, 17 लाख रुपए हो गए। लाओ भाई अरम की पोटली लेकर आओ भाई। अच्छा अरम तो यहाँ है, अरम की पोटली लाओ। अरम लेकर आए पोटली, कौन सी लेकर आई है अरम? पोटली नंबर 1 ले आओ जल्दी से यहाँ रखो। हाँ भाई अब्दुल बासित क्या लगता है तुम्हें? 8 लाख। प्लस में? शाताज सोच समझ के 8 लाख। माइनस? माइनस में 8 लाख। ओके हुसैन प्लस में बोलो यार जल्दी से। हुसैन प्लस में 8 लाख। प्लस में 8 लाख। ओके प्लस में 8 लाख। 6 लाख। 6 लाख प्लस में। आराम जल्दी से, कुछ भी निकला है बस प्लस में निकला है। प्लस में निकला, कुछ भी निकला है। यहाँ से पूछूंगा मैं बिलाल से, सिर्फ बिलाल को माइक दिया जाए। 4 लाख। प्लस में? बिलाल ने बोला 4 लाख, बाकी आप सब ने बोला प्लस में। माइनस के अमाउंट भी है हमारे पास, लेकिन ये है 8 लाख प्लस में।
आठ लाख प्लस में गाइस 9 और 8 17 इनके भी हो गए दोनों का मैंने बोला भी हो गए लाओ आज की आखिरी बोर्ड ली जल्दी से नहीं जल्दी लाओ तूबा लेकर आई पोटली नंबर 8 मैं जल्दी से ओपन करके बताता हूँ कि इसमें क्या है आमिर जल्दी बताओ कितना अमाउंट है सर इंशाल्लाह ताला इसमें माइनस 10 लाख है हाँ भाई कितना है बताओ 5-6 हो गया अच्छा हाँ इस बुलक्कड़ ने माइनस बोल दिया प्लस ही हो गया इसमें ओके तूबा 6 लाख प्लस में 6 लाख प्लस में अभी 8 लाख प्लस में और 8 नंबर पोल्टी में इन लोगों ने बोला 8 लाख प्लस में रवि का कितना है -7 लाख 17 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहे थे चैंपियंस गाइस ये चैंपियंस है इनकी किस्मत भी इन्हीं की तरह शानदार थी -9 लाख के बाद नहीं रही -9 लाख सर मैंने सही बोला सर इनका अमाउंट हो गया टोटल 8 लाख सर मैंने सही लाइए जी आखिरी पोटली शाहताज की आखिरी पोटली जल्दी से लाए भाई आवाज गई सर मैंने सही बोला सर क्या बात है तुम्हारी तो यार क्या बात है 8 लाख रुपए प्लस में स्टैंड कर रहे हैं ये लोग 17 लाख रुपए में तुम अब दुआ करो कि तुम लोगों का कोई माइनस में अमाउंट ना निकला है आज की आखिरी पोटली अरम कितना अमाउंट निकला होगा हैरान मैं हैरत में आ गया हूँ अच्छा तो तुम्हें पता है मीर 5 लाख तो है कंफर्म अच्छा हाँ मेरे लाख प्लस में हुसैन पता नहीं अंदर से फीलिंग -4 चार लाख और कभी कभी फीलिंग्स बिल्कुल सही आती हैं शाहताज प्लस में 8 लाख है हाँ मैं अब्दुल बासित माइनस में इसमें 8 लाख रुपए ग्रैंड टोटल हुआ चैंपियंस का 17 लाख रुपए ग्रैंड टोटल दो पोटलियों के बाद था टिकटॉकर्स का -10 लाख नहीं निकला था और प्लस 6 लाख निकले प्लस सिक्स लैक्स के बाद इनका ग्रैंड टोटल हो गया 23 लाख इस तरह आज पोटली के हकदार ठहरे टीम टिकटॉकर्स ये 3 पॉइंट जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ मैं जा रहा हूं एक छोटी सी ब्रेक पे वापस आऊंगा आगे सजा भी तो देनी है कहीं जाइएगा नहीं गेम शो गेम शो ऐसे ही चलेगा चल रहा है हमारा फाइनल कांटेदार मुकाबला जारी है मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा स्कोर कार्ड मुझे दिखाइए कितने कितने पॉइंट्स पर है दोनों टीम्स बताइएगा जी तो चैंपियंस के 11 टिकटॉकर से 1 पॉइंट पीछे है 10 नेक्स्ट गेम है जी लाइए नेक्स्ट गेम है कसौटी 3 पॉइंट्स का है कसौटी जी सजा अरे सजा बिल्कुल बताइए किसको देनी सजा आपने अभिया जल्दी से अभिया को देनी है हाँ अभिया सही सही जाओ बुलाओ पोडियम लेकर आओ अच्छा जी आज कसौटी उसी तरह पहली चीज आपको बताऊंगा पर्सनालिटी है पहला सवाल मैंने खुद बता दिया आपको पर्सनालिटी है अब पहला क्वेश्चन पूछेंगे कल आप लोगों ने पूछा था इन्होंने तो फिर आप पूछेंगे पहला क्वेश्चन क्या हुआ या कुछ नहीं है प्रोफेशन उनका शोबिज से रिलेटेड है शोबिज ही उनका चलिए हाँ हाँ आप सजा में खड़े हो आप हाँ जी शोबिज से रिलेटेड पर्सनालिटी है एक सवाल हो गया आपका आपकी बारी है मेल या फीमेल एक क्वेश्चन आपने पूछा याद रहे फाइनल है मैं इंटरनेशनल भी जा सकता हूं
ऐसे ही हिंट दे रहा हूँ, मर्जी है तुम लोगों की। एक एक सवाल हो गया जनाब, बताइए। एक्टर, सिंगर या कॉमेडियन? एक्टर हैं, कॉमेडी भी करते हैं, सिंगिंग हाँ कभी कभी। दानिश भाई बॉलीवुड में भी काम किए, जस्ट लॉलीवुड का नहीं। एक बात पूछो, बॉलीवुड में काम किया है, लॉलीवुड किया है तो ये अलग सवाल हो जाएगा। अच्छा, बॉलीवुड में काम किए नहीं? नहीं किया। दो क्वेश्चन हो गए हैं, दो क्वेश्चन यहाँ हो गए। तीसरा क्वेश्चन, 5-4। उनकी डेथ हुई है या जिंदा है अभी तक? जिंदा है। जिंदा? पैर में नहीं आने चाहिए भाई। अभी यह कह रही है, आप लोग पूछे कि एज क्या है। हाँ, मैं यही पूछने लगी थी। एज का क्या? आप मुझे एज ग्रुप बताओगे, इससे ज्यादा या इससे कम मैं बताऊंगा हाँ या ना। एज नहीं पूछनी हमने। आपने कितने सवाल हो गए? 3 सवाल हो गए, 2 आपसे हुए हैं। 5-4। उन्होंने क्या पूछा है? आपने क्या पूछा था लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपने? डेथ। हाँ, वो हयात है या उनकी डेथ हो गई है? मैंने कहा नहीं, डेथ नहीं हुई है। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब पूछो। गेम शो होस्ट करते हैं वो, हमारे चैनल पे या कहीं बाहर? हमारे चैनल पे, हमारे चैनल पे। एक सवाल पूछो मुझसे। हमारे चैनल पे, हमारे चैनल पे काम करते हैं ये पूछ सकते हो? हमारे चैनल पे काम करते हैं? बस ठीक। करते हैं क्या? हमारे चैनल पे काम करते हैं। तो रिकॉर्ड हो रहा है उनका क्या? मैं इन लोगों को क्या बताऊंगा? तो पहले जो रिकॉर्ड कराए हुए तुमने वो? अरे यार, ये क्या बात हुई। चलो, कह रहे हैं करते हैं। चलो, इन्होंने पूछा कि क्या वो अभी भी काम करते हैं चैनल पे? एक तरह से करते हैं भाई, एक तरह से करते हैं। बस क्वेश्चंस हैं ये, खत्म हो गए? नहीं नहीं, अभी तो 3 सवाल हुए हैं, 3 सवाल हुए हैं आपके पास। हाँ अभिया, आ जाओ बाहर, वापस वापस बकार जोर जल्दी से 5-4-3। क्या उनकी आवाज नहीं आ रही? एज आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या उनका कोई शो ट्रेंडिंग में? अभी आपकी बारी नहीं है, बारी उनकी है ना, बारी उनकी है। चुप। हाँ दानिश भाई, उनका कोई शो ट्रेंडिंग पे गया है? यार ये क्यों? हाँ गया है। 4 क्वेश्चन। मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि अगर उनका कोई बेटा ट्रेंडिंग यूट्यूब पे ही जाता है। माइक आवाज नहीं आ रही, जवाब दे रहे आप लोग? जवाब दोगे? एक मिनट आपने ना, एक मिनट रुक जाओ। आपने सवाल मुझसे कर लिया, अब आप जवाब नहीं दे सकते। अभी इसके बाद आप लोगों के पास मौका है। इन्होंने मुझसे पूछा क्या वो YouTube पर ट्रेंडिंग पे रहे हैं? मैंने कहा हाँ रहे हैं। हम जवाब दें? अब जवाब दें हम? क्वेश्चन नहीं होगा फिर, डायरेक्ट जवाब दोगे आप? ठीक है। चलिए बताइए। मैं दे रहा हूँ ना जवाब। आवाज नहीं आ रही है मुझे। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं करो, पहचान लेंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ बात सुनो, सोच समझ के। द वन एंड ओनली दानिश तैमूर। यही है, शो किया ही नहीं किया, टिकटॉकर को किया ही नहीं किया। आपका जवाब है ये? जी, ये जवाब है और चैंपियंस ने एक मिनट चैंपियंस ने जवाब दिया दानिश तैमूर। गाइस, दरमियान में मैं कहीं सोच रहा था, इनसे पूछ रहा था कि क्या वो उनका शो अभी चल रहा है या नहीं। तो अभी तो उनका शो चल रहा है। वकार जका के बारे में इन्होंने पूछा कि वो ट्रेंडिंग पे रहे हैं? मैंने कहा रहे हैं।
तो आपको कैसे लग गया कि ट्रेंडिंग में तो आप भी थे सर? कौन आपकी ट्रेंडिंग में रहे? ट्रेंडिंग पे, लेकिन वो अभी तक चल रहा है दानिश भाई, वो अभी तक चल रहा है, हमारा फाइनल अभी भी बाकी है, वो भी ट्रेंडिंग पे जा सकता है। सुन लिया, फाइनल में जवाब लो तो किसके कहने पे आके तुमने चौथे सवाल के बाद जवाब दे दिया? और तुम लोगों को लगा कि मैं अपने बारे में पूछूंगा? बिलाल नहीं नहीं, हम सबने बोला था सर। आप मेरे फेवरेट है, आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? अभी बताता हूँ मैं, अब बताता हूँ मैं। चैंपियंस ने जवाब दिया कि मैंने अपने बारे में पूछा है और ये गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। वकार जका कहने वाले थे तुम लोग, मैंने अपने बारे में ही पूछा था। वर्ल्ड चैंपियंस, ये 3 पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। आ जाओ जय। तेरे नाल में लाइया अच्छा, आमिर जो है वो अपने स्टेप करके जो भी बेचारा वो कर रहा होता है उसके बाद कहते हैं हाँ आज बहुत अच्छा किया है मैंने, आज मैं सुकून से सोऊंगा जाके। अच्छा जी, सजा की बारी आ गई है चैंपियंस, बताओ किसे सजा देनी है? रबीका। रबीका को, कैप्टन रबीका। आइए रबीका जी इस तरफ आइए, हाथ ऊपर कीजिए और सजा में खड़ी जाइए। लाइए नेक्स्ट गेम। नेक्स्ट गेम टंग ट्विस्टर्स। दो टंग ट्विस्टर्स आपको दिए जाएंगे, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, वहीं दो टंग ट्विस्टर्स आपको दिए जाएंगे। दो पॉइंट्स का गेम है गाइस, फिर दोबारा 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स पीछे चले गए तुम लोग। चलो भाई बराज बताओ। इस दफा आना चाहिए वैसे चैंपियंस। और चैंपियंस टॉस जीते हैं जी चैंपियंस, इसलिए पहला अटेम्प्ट आप लोग करेंगे। टिकटॉकर्स आइए। क्या तुम क्या देख रही हो? अच्छा नहीं देखा फिर ठीक है। रेडियो कौन अटेम्प्ट कर रहा है? तुम्हारी किस्मत पता क्या निकला है? तुम्हारी किस्मत में निकला है चाचा आटा पाटा आटा चाचा टाटा टाटा पापा। अब करके दिखाओ। मुश्किल है नहीं, ये तो कोई नहीं बोल सकता। नहीं ये कोई नहीं बोल सकता, ये मैं नहीं पूछ रहा, मजाक कर रहा हूं। गौर से सुनना। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर रुखसार, चलो एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। गुलाब देखकर गुलाब बनाया। 7 दफा बोलना है। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। गुलाब देखकर सेकंड है, गुलाब देखकर गुलाब बनाया पहला। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर, रेडी गो। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर। रुकना नहीं है, फाइनल है, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आज, आखिरी अटेम्प्ट है। बिल्कुल सही बोल रही हो, तहमुल से बोलो। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया, रेडी गो। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी ने गुलाबी रुखसार पर गुलाब देखकर गुलाब बनाया। एक गुलाबी रुखसार, और गलती हो गई है, ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है गाइस। पहला अटेम्प्ट गलत, वापस जाओ। दानिश सर आसान वाला प्लीज। जो किस्मत में तुम लोगों की निकलेगा मैं सिर्फ चेंज करूंगा, जिसकी किस्मत में जो निकला वो पूछूंगा। कौन अटेम्प्ट करेगा? अभिया। अभिया चलो। वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारा ये थी प्यारी। वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारी। हाँ, वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारा ये थी प्यारी। वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारा ये थी प्यारी। वो है ऐसी दे देना ऐसी। अच्छा ऐसी, हाँ ये पकड़ के मैं खड़ा होता हूँ। वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारा ये थी प्यारी। वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारा ये थी प्यारी। चलो एक मिनट शुरू हो जाओ प्यारी, रेडी। वो है प्यारी ये था प्यारा, वो है प्यारा ये थी प्यारी। वो
है प्यारी ये था प्यारा है वो था प्यारा ये वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी सही मायनों में टंग ट्विस्टर है जबरदस्त सुन तो लें हाँ वो है प्यारी ये था प्यारा वो था प्यारा वो है प्यारा वो था प्यारा ये है प्यारी क्या वो है प्यारा वो है प्यारा ये है प्यारी ये थी प्यारी ये थी प्यारी चलो रेडी दोबारा से बताइएगा आखिरी बार बता रहा हूँ वो है प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा ये था प्यारा वो है प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी थी प्यारी ये बोल के दिखाओ तुम रेडी गो वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी वो है प्यारी ये था प्यारा वो है प्यारा ये थी प्यारी ब्रिलियंट यार अभिया बहुत आला वेल डन अभिया जबरदस्त क्या बात है यार जबरदस्त बहुत मुश्किल था ये बहुत मुश्किल था ये वेल डन वेरी गुड एक अटेम्प्ट किया बिल्कुल सही बोला एक अटेम्प्ट किया तुम लोगों ने गलती की एक ही बंदा बोल सकता है नहीं अब बारी किसी और की आप पांचों में से किसी एक की आएगी इसी तरह शाताज यहां से नहीं बोल सकती कौन बोलेगा जी मैं बोलूं मीर ऑल द बेस्ट कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया तुम भूल गए आज कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया खामोश गाइस कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर एक मिनट रेडी एक मिनट कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर एग्जैक्टली रेडी गो कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल रुमाल कमाल रुमाल से कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं मुश्किल है बहुत यू कैन डू इट चलो शाबाश हो जाएगा कमाल रुमाल से अपना कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया रेडी गो एक मिनट कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर अपना रुमाल कमाल के घर भूल गया रेडी गो कमाल रुमाल से अपना कमाल दिखाकर एक ट्राई एक बार नहीं फाइनल में नहीं 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 कमाल दो अटेम्प्ट किए गाइस और दोनों में तुम लोग पीछे रह गए हां भाई कौन देगा चैंपियन अब तो कोई भी कर ले कौन करेगा फिर चलो तूबा करेगी मैं चाहता हूँ ये बिलाल बोले बिलाल भाई चलो ये है तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल लिया था तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल दिया था तोल लिया था तोलते ना तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल लिया था तुफैल में तेल ने तलने से तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल लिया था तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल लिया था तुफैल ने तेल में तलेगा ना तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल लिया था रेडियो रेडी गो तुफैल में तेल ने तलने से पहले तुफैल में तेल को तल दिया तुमने गलती हो गई है तुफैल ने तेल तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल लिया था तलने से पहले तेल तोल लिया था तुफैल ने तेल ने तेल में तलने से पहले रेडी गो तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल दिया था तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल दिया था तुफैल ने तेल में तलने से पहले तेल तोल दिया था तुफैल ने तेल ने और गलती हो गई है यहाँ पर लेकिन सबसे मुश्किल अटेम्प्ट था अभिया का और अभिया ये विक्ट्री तुम्हारे कंधों पे जा रही है टीम चैंपियंस के साथ जाएंगे दो पॉइंट तुम्हारा से आ जाओ हो जाए मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को
जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, अगर तुम लोग आज हार गए, ये पूरे सीजन लुड्डियां मारेंगे इस तरह और चैंपियंस की तरह ये बैठे होंगे, तो मतलब तुम लोग बैठे होगे, ये लोग आएंगे, तुम लोग खड़े होकर तालियां बजाओगे, रेडी हो जाओ जिस तरह तुम लोग। दानिश भाई, हां जी, रिहर्सल वैसे करना चाहिए, आप लोग ताली बजाओ। मां की शक्लें भी देखिए, अभी से उतर गई सबकी। चलो जी, पहले ये तो बताओगे सजा किसको देनी है? कौन बच गया? कौन बचा आप लोगों में? हुसैन और मीर बच गए। हुसैन हो गया, मीर 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 रह गया जी। मीर आइए जनाब, बिनोई साहब जल्दी से आइए। मीर मंगी साहब आ जाओ यहां पे आइए। मंगी साहब आ जाओ यहाँ पे आइए बैठिए। अच्छा जी, स्केच कौन बनाएगा? अच्छा पहले एक्टिंग ले आओ, ले आओ ले आओ जल्दी से ले आओ। चलिए जी एक्टिंग, मैं सिचुएशंस बताऊंगा दोनों को और जो अच्छी एक्टिंग करेगा उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। हुसैन बताओ जल्दी से। चैंपियंस और चैंपियंस ही आया जनाब, चैंपियंस। टिकटॉकर्स टॉस जीते हैं इसलिए पहले चैंपियंस। दानिश भाई जी, टॉस जीतने का एक फायदा ये होना चाहिए अगले को टाइम मिलना चाहिए, जब तक वो एक्टिंग करें हम लोग को बता दो सिचुएशन, हम लोग प्रैक्टिस करें। ना 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 ना, ये कैसे फाइनल में अचानक से थोड़ी हो सकती है। हम डिसाइड कर सकते हैं वो सिचुएशन हम करें इनको दें, ये हो सकता है? नहीं, ये अचानक से नहीं हो सकता। चलो ये मैं नेक्स्ट सीजन में शायद सोच के फिर बताऊंगा तुम लोगों को। अच्छा जी गाइस, गौर से सुनना, आप लोगों की सिचुएशन क्या निकली है। मालिक ने नौकर से सामान मंगवाया है, नौकर गलत सामान ले आया, ऊपर से पैसे भी खा गया। एक मालिक हिसाब मांग रहा है, अब मालिक हिसाब मांग रहा है उसमें गड़बड़ है। मालिक ने सामान मंगाया है नौकर से, नौकर सामान भी सही नहीं लाया और बाकी पैसे भी खा गया। अब मालिक जो है वो नौकर से हिसाब मांग रहा है और नौकर जो है वो टाल मटोल कर रहा है, कौन आएगा? दो लोग चाहिए, एक नौकर एक मालिक। 1.5 मिनट है आपके पास। हाँ भाई फाइनल है, आप आओगे? आओ शाबाश। चलो मैं नौकर बनूंगी, आमिर मालिक बनेंगे। चलो भैया आओ, रेडी है? आमिर आ जाओ, टाइम नहीं है, जल्दी से। अभी नहीं है आज, दो लड़के हैं ना? नहीं जरूरी नहीं है, तो आ जाओ। मालिक और नौकर कोई भी हो सकता है। अभी आए, आ जाओ भैया। अभी तुम नौकर हो जी। और तुम मालिक हो, सही है। चलो जी 1.5 मिनट है तुम लोगों के पास, मेरी टीम डिसाइड करेगी कि आप लोग एंटरटेनिंग हो यानी रेडी गो। आज तो मैं मालिक को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सामान लेके आए जी? जी मालिक, आपने जो मंगवाया था वो सब मैं लेके आ गया। क्या बताया था आपने? कहा था 2 किलो अंडे और 4 किलो मुर्गी, वो लेके आया ना मैं। अरे मैंने अंडे कब कहा था तुम्हें? मालिक मालिक ऐसा नहीं करो मालिक, कुदी ने बोला था अंडे लेके आना, मैं लेके आया मालिक। मैंने कहा था सब्जी लेके आओ। नहीं मालिक नहीं, सब्जी का तो नाम ही नहीं था मालिक। अच्छा, ऐसा नहीं करो, गरीब के पेट में मत मारो लात मालिक। अच्छा, पैसे दे दो, बकाए पैसे दे दो। कौन सा पैसा? तुम्हारा पैसा पैसा, मेरा पैसा पैसा नहीं। मुझे 4 महीने की पगार नहीं थी, मेरे घर वाले भूखे मर रहे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बकाया कौन देगा? अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक मेरी मासूम सी शक्ल पे थोड़ा सा रहम खाइए। अल्लाह माफ करे ऐसी मासूम शक्ल। यकीन माने इस शक्ल को देख के लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। मालिक मालिक पैसा जल्दी से मेरे पैसे निकालो। मालिक किस तरह का पैसा, किस चीज का पैसा? मालिक बकाया दे दो। कौन सा बकाया मालिक? बोलो ना, 2 किलो अंडे 4 किलो मुर्गी लेके आया ना मालिक। ये बंदा जब भी मैं इसको बेचता हूँ ना सामान लेने के लिए, जाके इजी लोड डलवा के आ जाती है। कौन सा इजी लोड मालिक? और घंटों घंटों लगी होती, बता लो जानू कैसे हो? तुम किससे लगी हुई होती हो? हाय अल्लाह, बाजी पहले मुझे 3 महीने की पगार दो, फिर उसके बाद मैं बकाया वापस करूंगी ना। शक्ल तुम्हारी सड़े हुए आम जैसी है। बाजी देखो अपने बारे में मत बताओ, अपने बारे में मत बताओ मुझे बाजी, वैसे तुमसे ज्यादा मैं ही मालकिन लगती हूँ, मुझे पता है। ओहो कहाँ से, ये तुम अपने बाल देखो, जुल्फे तुम किसी के आगे आ जाओ ना रात में बिना वो डर जाएगा। अगर ऐसे जुल्फे मैं खोल दूँ ना तो बादल गरज पड़े। सच में बच्चों के सामने नहीं जाना ऐसे, वो डर जाएंगे बच्चे। मैं अभी टाइम अप, टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप। बारी है टिकटॉकर्स की। टिकटॉकर्स अगर तुम लोग हारे तो फिर तो मुझे लगता है गेम चेंजर का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, वन साइडेड मार रहे हैं वो लोग तुम्हें। आइए जी नेक्स्ट आपकी सिचुएशन है, मियाँ बीवी शादी की तकरीब से घर आ रहे हैं, शादी बीवी के मायके में थी, शोहर अपनी बीवी से लड़ रहा है, किसी ने मुझे पूछा नहीं वहाँ पर। शादी में गए थे मियाँ बीवी, शादी में शोहर को, क्योंकि उनके मायके में थी वो शादी, तो किसी ने पूछा नहीं तो लड़ा, यार मुझे तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, खाने का नहीं पूछा, और ये सब सिचुएशन आप करेंगे। आइए एक्टिंग आप लोगों ने कर ली है, नहीं सिचुएशन यही है। आइए जल्दी से, मियाँ और बीवी चाहिए, कौन कौन है? मियाँ बीवी कौन कौन है? जल्दी से गाइस टाइम जा रहा है, शादी से वापस आ रहे हैं, मूड ऑफ है तुम्हारा, और बीवी पूछेगी क्या हुआ आपका मूड क्यों ऑफ है, तो बताओगे क्यों? मुझे वहां पूछा नहीं किसी ने, खाने का नहीं पूछा किसी ने, मेरे बारे में पूछा नहीं। रेडी गो।
भी भी सामने से हटना, सामने से हट। क्या करेले जैसा मुंह क्यों बना के फिर रहे हो? तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो एक तो ऐसा लग रहा है मंडी में वो नई नई गाय नहीं आई थी, लगाया हुआ क्या? देखे बात सुनो, अपनी शक्ल देखो पहले पपीते। अपनी शक्ल क्या देखो, इतनी शादी में गए किसी ने पूछा भी नहीं, तुम्हारे खानदान वाले बोटियां जमा करने में लगे हुए, परसों में बिरयानी की भरे जाने बाद के घर पे भी तो खाना है इसका। वो अजमल पपीता लेके ऐसे भाग रहा है। तो तुम्हारी खुद शक्ल पपीते जैसी है, तुम्हें कौन पूछेगा? तो किसी को पूछना चाहिए तुमसे शादी। खुद तो तुम गुटका लगा के यूं करके बैठे हुए थे सेटों की तरह। हाँ तो जब कोई पूछेगा नहीं तो मुंह बंद करने के लिए गुटका ही डालना पड़ेगा ना। तो तुमने मेरी अम्मी को सलाम तक नहीं कहता, पता है वो मुझसे कितना गिला कर रही थी। तो इतना वो तुम्हारी अम्मी थी? जी हाँ। ले मुझे लगा ये वेटरिंग में जो काम कर रही होती है वो थी। मेरी अम्मी थी, वो आराम से बोलो। अच्छा, सॉरी, लेकिन मुझे किसी ने पूछा नहीं, तुम अपने उनको बोलो कि मेरी खूबियां बताया करो, वहां जाके मेरी बुराई जो करते हैं। हाँ, तुम्हारी खूबियां बताऊं कि तुम कपड़े इतने गंदे धोते हो उसमें सारे दाग लग रह जाते हैं, ये खूबी बताऊं मैं तुम्हारी उनको? तो घर में मासी लाने के लिए बीवी लाया था, ये देख क्या कर रही है। तुम बीवी पे जुल्म करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी के खानदान वाले थे क्या जुल्म कर रहे? बाहर वेटरों की जगह लिफाफे पकड़ने की जगह खड़ा किया हुआ था, मुझे लिफाफे आए मत ले लो। तुम खुद जमा कर रहे थे, तुम कह रहे थे मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, मुझे लिफाफे दे दो। यार तुम क्यों मेरी बुराई करती हो? अगर आज तुम्हारे खानदान वाले पूछते थे मेरी कितनी वाह होती, उनको तो फर्क ही नहीं है ना, यहाँ बोटी एक ने यहाँ फंसाई हुई है, ये कस्टर्ड ले कस्टर्ड ले। तुम्हारे घर वाले ने क्या किया था मुझे? उतरे हुए कपड़े बनाए थे अपने शादी में। टाइम आउट, टाइम आउट, बहुत आला, बहुत आला। चलो जी, मेरी टीम डिसाइड करेगी कि इनमें से किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा एंटरटेनिंग थी, बताइए अभी आप। हुसैन ने अच्छा किया। टिकटॉकर्स एक वोट। हाँ टिकटॉकर्स, ओके ओके, टिकटॉकर्स तीन, टिकटॉकर्स ओ टिकटॉकर्स। और इस तरह ये सारे वोट्स गए टीम टिकटॉकर्स के साथ, तीन पॉइंट जाएंगे आप लोगों के साथ भी, हो जाए। लुटी है जमा लो पा, लुटी है जमा लो, बेहतरीन। बताइए जी किसको सजा देनी है तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ। कौन बचा है? कोई भी नहीं बचा। आप लोगों में से कौन रह गया? बलाद मेरे ख्याल से खामोश बैठे हैं। बलाद आ जाएं, आप ही हैं, आप ही हैं। आप वापस आ जाएं, फिर वापस आ जाएं। हो गया बलाद? नहीं हुआ दानिश भाई, नहीं हुआ। इतना झूठ। आइए आइए बलाद साहब। अच्छा जी, नेक्स्ट गेम है रस्सा कशी, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि रस्सा कशी यहाँ से तीन लड़कियां आएंगी, यहाँ से तीन लड़कियां आएंगी, लड़कियों के दरमियान है रस्सा कशी। आइए जी आइए, आज फाइनल है, आज ये नहीं हो सकते। हम हारेंगे, हम तो वही करेंगे ना जो जीत सकते। अच्छा चलो, एक मिनट, एक काम करते, दो लड़कियां यहाँ से आएंगी, दो लड़कियां यहाँ से आएंगी, एक लड़का यहाँ से आएगा, एक लड़का यहाँ से आएगा। चलो, दो लड़कियां एक लड़का, दो लड़कियां एक लड़का यहाँ से, कौन कौन आ रहा है? रेडी हो जाओ गाइस, हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर। यहां से कौन है? आमिर है, आमिर अभी। अच्छा रेडी, अच्छा अच्छा आराम से, ओके ओके ओके। चलो भाई रेडी हो गई वहां से लड़कियां, चलो रेडी। अच्छा नहीं हुआ फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई राबेल रेडी हो, बेहतरीन बेहतरीन चैंपियंस, आओ भाई जल्दी से मिडिल में आओ, मिडिल में आओ, मिडिल में आओ। अच्छा जी एक मिनट, आमिर थोड़ा उधर जाओ, उधर लेके जाओ, उधर लाओ, आने दो 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 और आने दो। इस कैमरे के मिडिल में आओ थोड़ा इधर, और आमिर, आमिर थोड़ा सा और उधर होगा। चलो रेडी गो। चैंपियन ने उड़ा के फेंका, वापस जाओ, वापस जाओ। बहुत आला गाइस, वेल डन, जबरदस्त। और ये तीन पॉइंट्स वाकई जीते हैं टीम टिकटॉकर ने। आ जाओ भाई हुसैन साहब, आप आ जाए, हो जाए हो जाए।
वाह क्या कमबैक किया जी टिकटॉकर्स ने दो। हाँ जी जल्दी से मुझे दिखाइए स्कोर कार्ड। कमबैक किया टिकटॉकर्स ने, चैंपियंस के हैं 16 ऑल, जैसा फाइनल होना चाहिए था अभी तक ये बिल्कुल वैसे ही है। जबरदस्त बेहतरीन शानदार गाइस, 16 पॉइंट्स आपके, 16 पॉइंट्स आप लोगों के। अब बारी है सोशल मीडिया पॉइंट्स की। नहीं एक गेम खेले क्या, कोई गेम है हमारे पास? नेक्स्ट गेम क्या है जल्दी से? नेक्स्ट गेम है या हमारा नेक्स्ट गेम खेलना है हमने या क्या करना है? लाओ लो 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 जल्दी से। अच्छा जी ये भी दो पॉइंट का गेम है, एक मेल फीमेल, एक मेल फीमेल। कौन कौन आएगा गाइस जल्दी से? बलाज के तीन गेम्स हो गए हैं। तो टीम गेम है ये, टीम गेम है, टीम गेम है ये। चलो जी लाओ जी पोडियम लेकर आओ। अच्छा एक मिनट एक मिनट, वो याद आया कि सजा किसको देनी है? अब सबकी हो गई है तो दोबारा रिपीट हो सकते हैं राबेल अब, लेकिन आप बताओगे जल्दी से, टाइम जा रहा है। तुबा तुबा ठीक है, तुबा आप आ जाओ, तुबा आप आ जाओ सर। मैं पहले यहाँ से मेल आ जाए, वहां से मेल आ जाए, कौन आएगा? बलाज, बलाज और वहां से कौन आएगा? बलाज को सजा में खड़े कर सकते हैं। वेरी फनी। आओ भाई कौन आएगा? चलो भाई यहाँ से बलाज, यहाँ से अब्दुल बासित, थोड़ा पीछे जाओ। पूरा एक मिनट है, बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है ये। रेडी गो। अलिफ से अच्छी काफ से गुड़िया, जीम से जापानी। चलो 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 चलो। अच्छी काफ से गुड़िया, जीम से जापानी। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। हो गुड़िया जा जनाब, जबरदस्त। ये पॉइंट जीता है बलाज ने चैंपियंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये पॉइंट टिकटॉकर्स को जीतना। रेडी रेडी गो। ओ ना 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 टाइम अप। और ये पॉइंट भी जीता है तूबा ने चैंपियंस के लिए। दो पॉइंट्स फिर से जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। आ जाओ तेरे पीछे मैनू में सारी हयाती थोड़ी लग दे, थोड़ी लग दे ओ मैं थोड़ी लग दे, थोड़ी लग दे ओ मैं तो सोनी लग दे, थोड़ी लग दे ओ मैं तो सोनी लग दे, सोनी लग दे ओ मैं तो सोनी। शानदार। ओहो कहां थे तुम पहले भाई? लाओ भाई सजा, सजा बताइए सजा। मोटी आंटी आओ। कौन कौन
ये लोग अरम के पीछे पड़े हुए, अरम इधर हो गया। चलो भाई लाओ क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से, क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से दिखाइए। टॉस, तुम्हारी बारी टॉस की। हमारे बताओ जल्दी से। टिकटॉकर्स और चैंपियंस आया है, चैंपियंस टॉस हारे हैं इसलिए पहला सवाल इन्हीं से होगा। सोच समझ के जवाब देना है। दानिश सर आईक्यू है या फनी है? आईक्यू है। एल्फी, एल्फी अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकती? बहुत आला यार, क्या क्वेश्चन है यार। एल्फी होती है, एल्फी को आप जब निकालते हैं आपने कोई भी चीज जोड़नी होती है वो जोड़ देती है। एल्फी जिस बॉटल में, नहीं नहीं आईक्यू मुझे नहीं पता, एल्फी जिस बॉटल में होती है प्लास्टिक की तो वो भी होती है, वो वहां क्यों नहीं चिपकती? बहुत आला, इतना आसान नहीं है ये। ऑक्सीजन की वजह से। 10, 9 सवाल दोबारा बोलिएगा। 8 एल्फिल अपनी बॉटल में क्यों नहीं चिपकती है? 7 बॉटल कब होती है? 4 तुमने एल्फी देखी वैसे? 3 किसमें होती है एल्फी? ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन ट्यूब में, ट्यूब में क्यों नहीं चिपकती? 4, 3, 2, 1 हवा, ऑक्सीजन। क्या हवा, ऑक्सीजन? जवाब क्या है? ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि उसमें एयर टाइट होता है इसी वजह से नहीं चिपकता। तुम कहना चाह रहे हो कि जो जिस बॉटल में होती है उसमें वो क्यों नहीं चिपकती है? एयर टाइट होती है उसमें, इस वजह से नहीं चिपकती। तो फिर जब आधी हो जाती है तो फिर एयर निकल जाती है ना, फिर क्या होगा? जवाब दो। क्योंकि एयर बंद होता है ना, उसको ऐसे डिजाइन किया कि ना चिपके, अगर चिपकेगी तो। एक जवाब मुझे कैप्टन से चाहिए, कैप्टन से जवाब। तुमने कहा कि वो एयर टाइट होती है, हवा नहीं होती इसलिए नहीं चिपकती है, पक्की बात यही जवाब है? बलाज ने बोला कि वो एयर टाइट होती है, उसमें हवा नहीं होती है, इस वजह से। गलत, बिल्कुल सही जवाब, ब्रिलियंट, बहुत आला बलाज, जबरदस्त। उसमें हवा नहीं होती, वापस आ जाओ, इसलिए नहीं चिपकती है जी अपनी बॉटल में, बहुत आला। चलिए जी गौर से सुनना, कौन सी चीज है जिसको खाने से हम गर्म और पीने से ठंडे हो जाते हैं? कौन सी चीज है जिसको खाने से हम गरम और पीने से ठंडे हो जाते हैं? कह रहे नारियल। कौन सी चीज है जिसको खाने से हम गरम और पीने से ठंडे हो जाते हैं? 10, 9 गुस्सा, 8 ये जवाब है तुम लोगों का। खाने से हम गरम हो जाते हैं, पीने से ठंडे हो जाते हैं। गुस्सा, गुस्सा कैप्टन, गुस्सा। टीम टिकटॉकर्स ने जवाब दिया गुस्सा, उनके दो प्लेयर्स ने, कैप्टन सो रहा था, कैप्टन को पता ही नहीं था, और ये गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। 1-1 अच्छा जी, धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी, विटामिन डी। ये जवाब है तुम लोगों का जी, यूवी रेज के जरिए चर्बी पिघल। चैंपियंस ने जवाब दिया विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत आला, चैंपियंस पढ़े लिखे, जबरदस्त। दो सवाल दोनों बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी कम होती जाती है? उम्र। वो कौन सी चीज है जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी कम होती जाती है? उम्र, जल्दी से। जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ज्यादा कम होती है। हाँ, धूप, धूप, धूप। टेन,
नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर उमर थ्री उमर आंसर है आपका। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट तुम लोगों को बता दूं, उमर सही जवाब, लेकिन असल जो उर्दू का लफ्ज है ना वो उमर नहीं है, उम्र है, उम्र उम्र सही है, उम्र बोलते हैं, उमर किसी का नाम होता है, तो उम्र सही जवाब है। दो सवाल सही, दोनों जवाब बिल्कुल ठीक। आखिरी क्वेश्चन है, सोच समझ के, खाली पेट में मैक्सिमम कितने अंडे खाए जा सकते हैं? खाली पेट में आप कितने अंडे खा सकते हैं? खाली पेट में कितने अंडे खा सकते हैं? ये तो बताए, मेरा पेट या बिलाल का पेट? टेन नाइन एट सेवन सिक्स सर जब तक पेट नहीं भर जाता फाइव मुझे जवाब चाहिए, जब तक पेट नहीं भर जाता खाए जा सकते फोर जब तक पेट नहीं भर जाता थ्री ये जवाब है तुम लोगों का? यही जवाब। चैंपियंस ने जवाब दिया उतने अंडे खाए जा सकते हैं कि जब तक पेट नहीं भर जाता। मैंने पूछा खाली पेट में आप कितने अंडे खा सकते हैं, ये गलत जवाब है, गलत जवाब। इसका आंसर था एक अंडा, क्योंकि एक अंडे को खाने के बाद पेट खाली नहीं रहता। और आखिरी सवाल गलत जवाब दिया है तुम लोगों ने, अब इनके पास चांस है, अगर तुम लोगों ने इसका जवाब सही दिया ये तीन पॉइंट्स तुम जीत जाओगे, वरना दोनों को तीन तीन पॉइंट्स दूंगा। आखिरी सवाल, वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है मगर कभी ऊपर नहीं जाती? जमीन। सोच समझ के, वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है मगर कभी ऊपर नहीं जाती? टिकटॉकर। सूरज की, वो सूरज जब डूबता है। वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है मगर कभी ऊपर नहीं जाती? टेन बारिश नाइन बारिश एट सेकंड वाले यू सेवन जो आपका आंसर है बारिश। एक बड़ा सवाल एक बार करने, बस गलती करोगे दोनों को तीन तीन पॉइंट जाएंगे। वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है ऊपर नहीं जाती? बारिश बारिश की बूंदें। टिकटॉकर्स ने जवाब दिया बारिश, और बारिश गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। तीन पॉइंट जाएंगे टीम टिकटॉकर्स के साथ। तुम लोग आखिरी सवाल है, बहुत कूल बन गए यार, तुमने जाया किया। कोई आसान क्वेश्चन नहीं था ये लास्ट वाला, तुम लोगों से भी आसान क्वेश्चन पूछे थे मैंने। ये किसी बच्चे जो जो सवाल मेरे पास आ रहे थे मैंने वो क्वेश्चन पूछे। अच्छा जी जल्दी, क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा ये बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे, ये बारिश और ये वो सारे। आप डिसाइड नहीं करोगे कि इजी थे या मुश्किल थे, मैं गेम शो कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि कौन से मुश्किल है और कौन से आसान। मेरे पास से निकले तो मैं खेल रहा हूँ, आप नहीं खेल रहे हो, सही है? बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, सोशल मीडिया के दो पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट, जरा बताइए मुझे कौन जीता है? दो पॉइंट किसको वोट्स मिले? ये बहुत जोर से लगी है, ये बहुत जोर से लगी है यार। तुम लोगों के फैंस हैं भी या नहीं? नहीं। फैंस हैं तुम लोगों के या नहीं है? नहीं। अगर फाइनल में वोट नहीं कर रहे तुम्हें तो कहाँ है तुम्हारे फैंस? बात की थी कि इनके वोटिंग इसलिए होती है कि ताकि वो लोग भी आ सके। अब इनको पता है नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या पता इनको निकाल के उनको चांस मिल जाए। अच्छा एक मिनट, तुम्हारे वोटर्स को ये बात नहीं पता कि अगर तुम लोग हार जाओगे तो तुम लोग में से बहुत सारे लोग चेंज हो सकते हैं? चैंपियंस बहुत थोड़े से हैं, लिमिटेड नहीं। दुबई ये बेकार की एक्सक्यूज है, बेकार की एक्सक्यूज है। दिखाइए मुझे स्कोर कार्ड जल्दी से, इन दो पॉइंट्स के बाद चैंपियंस के कितने पॉइंट्स हैं? और टिकटॉकर्स, थैंक यू सो मच फैंस, थैंक यू। 21 पॉइंट्स है टिकटॉकर्स के, वही 18 पॉइंट्स है चैंपियंस के। इसलिए आज ग्रैंड फिनाले का गेम चेंजर खेलेंगे टिकटॉकर्स।
बताइए जी, क्या कौन कौन से चार ब्रीफकेस मंगवाने हैं आपसे? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हारे अगला पूरा सीजन तालियां बजानी है। खुद खेलोगे? खुद खेलोगे? पक्की बात है? चलिए जी, फाइनल का गेम चेंजर टिकटॉकर्स खुद खेलेंगे। बताइए कौन से चार ब्रीफ केसेस, चार ब्रीफ केसेस जल्दी से गाइस, टाइम कम है हमारे पास। नंबर वन लाओ भाई काशिफ, नंबर वन लेकर आओ। नेक्स्ट ब्रीफ केस, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। नंबर फाइव लाओ भाई, नंबर फाइव लेकर आओ। नंबर वन, नंबर फाइव, नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा है? नंबर सिक्स, नंबर सिक्स लाओ भाई, नंबर सिक्स लेकर आओ। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से, नेक्स्ट जल्दी से बताओ। नंबर टू, नंबर थ्री, एक बार सोच के डिसाइड करो, टू या थ्री। नंबर टू लाओ भाई, नंबर टू लेकर आओ। लाइए जी ये चारों ब्रीफ केस, चार ब्रीफ केसेस आ गए हैं आपके पास। याद रहे एक पावर आपके पास वो मौजूद है, आप जब भी चाहेंगे एक ब्रीफ केस स्वैप कर सकते हो। लेकिन याद रहे अगर शुरू के तीन ब्रीफ केसेस में से किसी एक में से भी 10 लाख रुपए निकले तुम लोग हार जाओगे। बताओ पहला ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं? पहला ब्रीफ केस कौन सा ओपन करूं? आए हाय मासूम, सोच समझ के। दानिश भाई करना चाहता हूँ, यकीन करें इसकी वजह से मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, जिसको करना चाहिए उसको मैंने निकाल दिया, डोंट वरी, वेरी सॉरी। होता रहता है ऐसे, जो भी I'm करेगा फॉरन बाहर जाएगा। हाँ बताओ, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, नंबर वन ओपन कर दूं या अपने पास रखना है? नहीं आप ओपन कर दें भाई, अब और कंफ्यूज कर रहे हैं। फाइनल है आज, फाइनल है, हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ला भाई नंबर वन पहले ही ओपन करा दिया इन लोगों ने, लेकर आओ भाई। सबसे पहला ब्रीफ केस ओपन कराया है, कराया है ना जी? नंबर वन सोच लो। चलो भाई, दो दफा पूछना था मैंने, दोनों बार पूछ लिया है। ओ नंबर वन में आमिर क्या है? इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। प्लीज इजाजत दे, एक मिनट सर। अरे यार नहीं, तुम लोगों ने एक चीज देखी भी नहीं। सर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे आज गिफ्ट दिए और बहुत अच्छी गिफ्ट दिए, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या है? उन्होंने उनको बताया कि मैं ना शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर शाहरुख भाई ने गिफ्ट दिए और ये देखें। मुझे क्यों दिखा रहे हो, कैमरे को दिखाओ। ये देखें और मैं बहुत मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँ शाहरुख भाई का बहुत कम है। और ये देखें तुम क्यों खुश? मेरे दोस्त को मिली है ये फैन है तो इसको। तुम किसके फैन हो? मैं सलमान खान का फैन हूँ, होप सो शेरोज भाई आप मुझे सलमान खान की भी कोई चीज ला के दोगे। चलो जी, अच्छा ये तो बताओ इसमें कितना अमाउंट है? नंबर वन में 9 लाख है सर, आज सही हूँ मैं। 9 लाख है इसमें सर। मैं मुझे लग रहा है कि नंबर सात में जो ना वो 10 लाख है नंबर सात। तुम पहले बता रहे हो? हाँ क्योंकि वो जीत रहे ना, देखिए वो हमसे अच्छा तो खेल रहे हैं ये मैं आज कल। तुम लोग बुरा नहीं खेले आज का गेम? बुरा नहीं खेले लेकिन वो लोग आज जीतने के ज्यादा डिजर्विंग वो हैं। डिजर्विंग वो, अरे वाह क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए यार। कह रहा आज तुम लोग डिजर्विंग हो, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी देखते हैं कि किस्मत क्या कहती है। जनाब पहला ब्रीफ केस मैंने 4 दफा तुमसे पूछा और तुमने टाइम अप हो गया है। नहीं, नहीं, वो है हमारा। दानिश भाई। गाना थोड़ी हो जाए। दानिश भाई नहीं, दानिश भाई। ये रनर्स अप की ट्रॉफी। ये नहीं चाहिए। दूसरा वाला चाहिए। बहुत बहुत मुबारक। किसको? अभी थोड़ी पता हमें। और
नंबर वन ओपन करवाया तुम लोगों ने, पहले मैंने कई बार पूछा, तुम लोग फिर भी नहीं समझे, अब नहीं समझे तो नहीं समझे। आठ लाख रुपए गेम से बाहर। फाइनल जारी है जनाब, कोई एक टीम जीतेगी और पूरे नेक्स्ट सीजन की चैंपियन रहेगी वो टीम। बताइए नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा खोलू, जल्दी से। जल्दी से नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा? नंबर फाइव। नंबर फाइव? नंबर फाइव ना, लाओ भाई नंबर फाइव ले आओ। काशिप ले आओ, ले आओ। अब टाइम नहीं दूंगा मैं, अब टाइम नहीं दूंगा, अब दूसरी बार पूछूंगा भी नहीं। नंबर फाइव खोल रहा हूं। रेडी हो तुम लोग? रेडी हो? और टीम टिकटॉकर्स ने वही किया जिसका मुझे डर था भाई। ये ऑन तो करो, गेम शो ऐसे चलेगा सीजन वन के विनर करार पर। पांच लाख बार, दो ब्रीफ केस, दो ब्रीफ केस। हुसैन मुझे याद है रमजान लीग में तुम आखिर में रो गए थे, जीत के हारे थे, दुआ करो आज वो रिपीट ना हो। लाओ नेक्स्ट ब्रीफ केस कौन सा? तुम भी रोए थे सर। हाँ तुम भी रोए थे मुझे यार, तुम भी रोए थे। मैं चाहता हूँ कि दोनों में से कोई ना रोए। लाओ भाई कौन है नेक्स्ट, जल्दी से टाइम बताओ नेक्स्ट ब्रीफ केस। नंबर टू ओपन कर दू, नंबर टू ओपन कर दू, नंबर टू ओपन कर दू, नंबर टू ओपन कर रहा हूं मैं, नंबर टू ओपन कर रहा हूं मैं। अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग, मुझे बताओ। अब नहीं पूछूंगा, नंबर टू ओपन करा दिया। टिकटॉकर्स आई एम रियली सॉरी। दो लाख, दो लाख, दो लाख, अरे दो लाख निकले। दो रहे यार ये लोग तो। चलो भाई लास्ट ब्रीफ केस, स्वाइप कर दो। आखिरी ब्रीफ केस है, इसमें नहीं है, स्वाइप कर दो। कोई एक चैंपियन बनने वाला है, या तो चैंपियंस आज असल में मेरे गेम शो के चैंपियन बनेंगे या फिर टिकटॉकर्स बनेंगे सीजन वन के पहले चैंपियन। बताओ आखिरी 20 सेकंड है तुम्हारे पास, मैं ये ओपन कर दूंगा। टाइम खत्म हो गया गाइस। 10 बात सुनो, इसमें नहीं है, इसके आंसुओं को कदर कर लो भाई, इसमें नहीं है। 8 अपने टीममेट्स के आंसुओं को कदर कर। 6 नंबर से ओपन कर दो। आर यू गाइस श्योर तुम लोगों को स्वैप नहीं करना है? पक्का। याद रखो बिलाल ने कहा 7 नंबर पे 10 लाख है, नहीं करना। रेडी नहीं करना, नहीं नहीं इसी में उधर जाओ, उधर हो। ये 6 नंबर डिसाइड करेगा कि गेम शो ऐसे चलेगा चैलेंज का असल चैंपियन। मुबारक हो। किसे? हार गए, लोग जीत गए। वेरी गुड, हाँ हाँ जीत गए। ज्यादा देखो, अच्छा एक चीज बड़ी क्यों रही बड़ी देखो, देखो देखो देखो, नहीं रोने की बात नहीं है ना आप लोगों को ना आप लोगों को। गेम था, हार गए, मेरा मतलब गेम था, कोई बात नहीं, किसी एक ने जीतना था। तुम लोग अच्छा खेले हो, बहुत तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग बुरा खेले हो। किस्मत जिसके साथ थी जीता वही है। इसमें तुम लोग सिर्फ ट्राई कर सकते थे, तुम लोगों ने गेम अच्छे खेले और आज चैंपियंस तुम लोगों ने भी बहुत अच्छे खेले। तुम दोनों ने मिलकर एक ऐसा काम किया, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा काम ये किया है, ऑडियंस को एंटरटेन किया है। हम यूट्यूब पे लाइव हैं, बहुत सारे लोग हमें लाइव भी देख रहे हैं, टीवी चैनल पे हमारी टीआरपी बहुत अच्छी हैं। तुम लोगों ने इस पूरे सीजन में बहुत एंटरटेन किया है, तो एक बार मैं तुम सब के लिए ताली बजाना चाहता हूँ। वेल डन गाइस। लेकिन ये कुदरत चाहती थी
जिसकी किस्मत में था सिर्फ वही जीता है। तुम लोगों ने अपनी कोशिश जरूर की है, अगर हारे हो इसमें कोई बुरी बनाने वाली बात नहीं। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलो बोलो। कि हमने तो एंटरटेन किया ही किया, लेकिन आपने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया। अगर आप अच्छे होस्ट, मतलब आप तो अच्छे होस्ट हैं ही, अगर आप हमारे साथ इतना लोग हैं इस मुश्किल घड़ी में, आप लोगों ने इतना लोगों को इंटरटेन किया जो लोग डर रहे थे कोरोना की वजह से परेशान थे। काशिफ भाई एक्सीडेंट में आए तो एक मिनट, एक्सीडेंट कराया किसने ये नहीं बता रहा, ये एक्सीडेंट किसने कराया ये नहीं बता रहा। काशिफ भाई एक्सीडेंट में आए, बताओ जरा काशिफ की तुम्हें साथ लेकर गिर गया था ना। फोटोग्राफर फारूक भाई, साइम भाई, ऑल द टेक्निकल स्टाफ, फराज भाई और चलो भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दानिश भाई एक बात, वो टीम जो नेक्स्ट सीजन में दूसरी टीम के इस्तकबाल में खड़ी होगी, तालियां बजाएगी, आज के चैंपियंस हैं, हमारे चैंपियंस हैं टिकटॉकर्स। गेम शो ऐसे चलेगा, सीजन वन के चैंपियंस टिकटॉकर्स हैं। वेल प्लेड गाइस, बहुत आला। वेल डन गाइस, वेल डन। हमारे आज के चैंपियंस, सीजन वन के चैंपियंस हैं टीम टिकटॉकर्स। लेकिन जो हमारे असल चैंपियन हैं, उन्होंने भी आपका दिल बहलाया रखा। आपके कैप्टन कौन थे आज? बलाज। ये रनर्स अप ट्रॉफी जाएगी आपके साथ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों की जर्नी यहाँ ख़त्म हो गई है। हमेशा ये जर्नी तुम लोगों की यहाँ स्टार्ट हुई है, आगे जितनी मेहनत करोगे उतने जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स गाइज, वेल प्लेड, जबरदस्त। लेकिन आज गेम शो ऐसे चलेगा, चैलेंज के विनर्स हैं टीम टिकटॉकर्स, और ये विनर्स सिर्फ इस ट्रॉफी की हद तक नहीं है, इनके साथ ये विनर्स सिर्फ इस ट्रॉफी की हद तक नहीं है, इनके साथ जाएंगे पूरे 10 लाख रुपए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। खास तौर पे इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने फैंस का, जिन्होंने बेतहाशा वोट किए, इन लोगों को सपोर्ट बहुत किया है। वहीं आप लोगों ने इन लोगों को बहुत प्यार किया है, इन लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन किसी एक ने तो जीतना ही था, और आज टीम टिकटॉकर्स जीती है, पूरी शान से जीती है, और ये नेक्स्ट सीजन में हमारे चैंपियंस के तौर पर आएंगे। नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा जी हमारा कमिंग सैटरडे से, देखना ना भूलिएगा। मिलके बोलेंगे टिकटॉकर्स भी और चैंपियंस भी मेरे साथ। गेम शो ऐसे चलेगा।